खोज बताए राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 हरि अनंत हरि कथा अनंता कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदसत अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 हेलो 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 लाइव में आवाज आ रही है। चलो गुड मॉर्निंग जी, हाल चाल? वधिया एकदम। चलो बहुत वधिया जी, आप भी इधर ही आ जाओ। वेरी गुड मॉर्निंग जी, लाइव वाले बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ यही वाला। हाँ हाँ खोल। जय श्री राम जी, जय श्री राम, राम राम जी, जय माता दी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। क्या हाल चाल है जी? एक बार लाइव वाले बच्चे मेरे को फटाफट से बता दें क्या मेरी ऑडियो वीडियो सही आ रही है जी? गुड मॉर्निंग अंजलि, गुड मॉर्निंग भीवा, गुड मॉर्निंग राहुल, वेरी गुड मॉर्निंग जी। एक बार बस मेरे को फटाफट से बता दो क्या मेरी ऑडियो वीडियो पहुंच पा रही है आप तक? चलो जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप तक आवाज मेरी क्लियर आ रही है? बिल्कुल एकदम मस्त, आप सुन पा रहे हो मुझे? चलो जी, तो आज हमारी पहली पहली क्लास है पटेल नगर के अंदर, ठीक है जी। तो आज हम एक तो बेसिक बेसिक बातें करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पहले हमें जीएसटी अपना स्टार्ट करना है। तो जीएसटी का इंट्रोडक्शन भी आज मैं आपको स्टार्ट करवा दूंगा, और जो बेसिक जो बातें हैं कुछ जरूरी है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले मेरी क्लास का एक रूल होता है
कि पहले हम थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे भगवान जी की, उसके बाद फिर अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। एक बार सारे बच्चे फटाफट से खड़े हो जाओ। याद है बचपन में आपने वो थोड़ी बहुत प्रार्थना गाई होगी, इतनी शक्ति हमें देना दाता, गाते थे ना, बस वो दो तीन लाइनें बोलनी है, देन फिर अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। लाइव वाले बच्चे भी एक बार फटाफट सारे बच्चे हाथ जोड़ लो, 1 2 3 स्टार्ट। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। चलो जी बैठो जी। बहुत टाइम बाद आपने प्रार्थना गाई होगी, ठीक है, तभी आवाज थोड़ी सी कम आ रही थी, बट आवाज डेली थोड़ी सी ना ज्यादा आनी चाहिए। और ये मत सोचा करो कि मेरी आवाज कैसी है, कोई सुनी ना ले, ठीक है जी, टेंशन मत लिया करो बिल्कुल। प्रार्थना मीन्स आराम से प्रार्थना। सर वॉइस क्लियर नहीं है, एक बार लाइव वाले बच्चे मेरे को बताना क्या मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है जी। अरे रुक जाओ आनंद नालायक, रुको। सर अरुण सर की क्लास कब होगी CAFM की? उनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी 9 बजे जी। चलो एक बार मेरे को फटाफट से बताओ पहले तो यार, वॉइस क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक बार पहले मेरे को ये बताओ आप में से कितने बच्चे न्यू सिलेबस वाले हैं? तो आई थिंक 99% बच्चा आपका ओल्ड सिलेबस है, आपको ओल्ड, बाकी सबका न्यू है ना। चलो जी, और सबके जून में एग्जाम है, ठीक है जी। चलो इधर थोड़ा ध्यान से, एक बार थोड़ा सा पहले मैं बेस क्लियर कर देता हूं। अब जो आज हम यहां पर मिले हैं, हमारा ग्रुप नंबर 2 है न्यू सिलेबस के अंदर, और ग्रुप नंबर 2 में पेपर नंबर 7 है, ठीक है जी। और अगर मैं ओल्ड सिलेबस की बात करता हूं, तो ओल्ड सिलेबस में ये ग्रुप नंबर 1 के अंदर था, और ग्रुप नंबर 1 के अंदर पेपर नंबर 4 जो था वो टेक्स्ट का था। अच्छा एक बार पहले थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूं, ये आपके सामने ICSE के न्यू सिलेबस का ना प्रोस्पेक्टस यहां पे खुला हुआ है, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करता हूँ न्यू सिलेबस की, तो आप सब जानते हो CS एग्जीक्यूटिव लेवल पर अब आपके दो ग्रुप हैं न्यू सिलेबस के अंदर, और ओल्ड सिलेबस के अंदर भी दो ग्रुप होते थे, ठीक है जी। अब यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 में आपके टोटल मिला के इन्होंने 4 पेपर दिए हुए हैं, और ग्रुप नंबर 2 के अंदर टोटल मिला के 3 पेपर है। पेपर नंबर 7 अगर आपको यहाँ पे चेक करना है, तो देखो लिखा होगा टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस का। अब एक बात मैं सोच के बताओ, पेपर नंबर 7 जो हमारा टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस है, इसकी इन्होंने दो बाइफर्केशन की है, जिसमें एक तो इन्होंने कह रही आपका पेपर होगा पार्ट नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स का, दैट इज 60 मार्क्स का होगा, और फिर पेपर नंबर 2 पार्ट नंबर 2 जो होगा वो होगा इनडायरेक्ट टैक्स का, वो आपके 40 मार्क्स का होगा, ठीक है जी। मतलब दो बाइफर्केशन है, एक तो आपका डायरेक्ट टैक्स है, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स आपके एग्जाम में 60 नंबर का आएगा, IGT आपके एग्जाम में 40 नंबर का आएगा। अच्छा ओल्ड में क्या फर्क था? ओल्ड में ये फर्क था बस, यहाँ पे ये भी 50 नंबर का था और ये भी 50 नंबर का था, बाकी सारी की सारी बातें अगर मैं चैप्टर वाइज काउंटिंग करता हूं ना, तो लगा लो 99% सेम था। न्यू सिलेबस के अंदर इन्होंने बस DST में एक दो चैप्टर नए इंसर्ट किए हैं जो ओल्ड सिलेबस में नहीं थे। ऐसे इनकम टैक्स में ओल्ड सिलेबस में इनके कुछ चैप्टर इनकम टैक्स में ज्यादा थे, 2-3 वो इन्होंने न्यू सिलेबस से हटा दिए, वो वैसे भी किसी काम के नहीं थे, ठीक है। और दूसरा फर्क क्या निकल के आता है, आपका जो ओल्ड सिलेबस के अंदर पेपर था वो 100% MCQs बेस्ड था, ठीक है ना। और अब न्यू सिलेबस के अंदर क्या है कि जो हमारा पेपर बनेगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्टिव। अच्छा अब जब इंस्टीट्यूट ने प्रोस्पेक्टस इशू किया था ना, मतलब आज से इसको आई थिंक मेरे ख्याल से 1 साल होने वाला प्रोस्पेक्टस को, तो उन्होंने ना इसके नीचे यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी थी, और इन लाइनों में उन्होंने लिखा था कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, कि जो न्यू सिलेबस के पेपर होंगे उसका एग्जामिनेशन का मोड क्या होगा। तो इन्होंने यहाँ पे कहा था कॉम्बिनेशन ऑफ 20% केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है जी, और 80% जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा इन ऑल द पेपर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एक्सेप्ट पेपर नंबर 4 CAFM। मतलब CAFM और ग्रुप नंबर 1 के अंदर पेपर है उसको छोड़ के बाकी जो भी पेपर होंगे। अच्छा एक बात बताओ, टोटल कितने पेपर है? 7। 7 में से एक बाहर निकाल दिया, बाकी कितने बच गए? 6। तो 6 को उन्होंने बोला कि जो 6 पेपर होंगे उसमें 80% जो है वो बनेगा डिस्क्रिप्टिव।
डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है कि आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करने हैं, सिंपल सी बात है ये। और 20% उन्होंने कहा था कि केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे, जो हमें लगता था कि ऑब्जेक्टिव का मतलब जो हमने बचपन से सुना, ऑब्जेक्टिव का मतलब तो ये होता है कि एक बड़ा सा केस होगा, उसके बाद एमसीक्यूज मतलब क्वेश्चंस होंगे, उसके चार ऑप्शंस होंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन को पढ़ के उसके बेस पे हमें आंसर देने पड़ेंगे। हमें तो स्टार्टिंग से ये लगता था। और ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मतलब ही क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब होता है कि आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। बट इस बार पहला अटेम्प्ट था दिसंबर में, आप सब जानते हो न्यू सिलेबस का पहला अटेम्प्ट था। अब मुझे नहीं पता आपने एग्जाम चेक किए नहीं चेक किए, चेक की है तो अच्छी बात है, नहीं चेक की तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा टेक्स्ट का खोल के। यवन कोई भी अगर पेपर खोल के देखोगे, चलो सीएफएम में तो वैसे भी नहीं आना था, बट सीएफएम के अलावा बाकी जो थे पेपर थे उसमें कहीं पर भी पूरे पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं थे। बट हाँ, उन्होंने क्या दिया हुआ था, उन्होंने पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, एक बहुत बड़ा केस दिया हुआ था, और उस केस के बाद ना इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए थे और उस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था। हेलो, यही आ जाओ, यहाँ पे यही आ जाओ, यही यही, ठीक है नी। चलो जी, तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इन्होंने क्या कहते हैं, बहुत बड़ा केस दिया हुआ था और केस के बाद इन्होंने क्या किया हुआ था, उसके क्वेश्चंस ये हुए थे, मतलब कहीं पर भी एमसीक्यूज नहीं थे। तो मतलब इससे ये बात तो क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई कि क्या हमारे पेपर में एमसीक्यूज आएंगे नहीं आएंगे ना, ये बात क्लियर नहीं हुई। मतलब ये बात क्लियर हो गई कि एमसीक्यूज आ जाएंगे तो भी हमें चौंकना नहीं है, नहीं आएंगे तो भी हमें चौंकना नहीं है। मतलब अब ये बात क्लियर हो गई कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किसी भी तरह का बन सकता है। मतलब मे बी अब क्या पता वो अगले जून के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव दे दे तो तुम कहो तुम ये क्या मतलब है, तो मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर उन्होंने कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मतलब हम ये लेके चल सकते हैं कि एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, और अगर एमसीक्यूज नहीं बनेंगे जैसा इस बार एग्जाम बना फिर वैसे बन जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो मैं पूरे पैटर्न की तैयारी करके चलनी है और हम क्लास में भर भर के प्रैक्टिस करेंगे। मैं क्लियर कर दूं, न्यू सिलेबस के बच्चे ध्यान से कान खोल के सुन ले, हर चैप्टर के बाद कम से कम एक से दो लेक्चर मेरे सिर्फ होंगे ही प्रैक्टिस के, मतलब जहां पर हम यही सीखेंगे कि क्योंकि सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम बता क्या सर, एक बात मेरे को बताओ, जितने बच्चे भी मेरे सामने बैठे हैं दिल से बताना, मतलब चलो अभी तो आप नए नए आए हो बट आपने कभी सीनियर से सुना हो, किसी से पूछ के अगर आप सीएस में आए हो, तो सीएस में सबसे बड़ा डर बच्चों को एक पेपर का होता है, वो होता है टैक्स का। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आपके मुंह पे बात बोल रहा हूँ, पहली क्लास आपको मे भी बुरी लग सकती है बट आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ। बच्चा ये बात कहते सर अगर टैक्स से मोहब्बत होती तो क्या हम सीए नहीं कर लेते? भाई सिंपल सी बात है, हमें जो प्यार था वो किससे प्यार था, लो से, तभी हम सीएस में आए। बट आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि टैक्स भी एक तरह का लो ही है। टैक्स को सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि टैक्स एक प्रैक्टिकल है, वो बात एक अलग है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं यार। एक बात मैं बताना, क्या सिक्योरिटी लोग के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। अब अगर सिक्योरिटी लॉ के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं तो तुम क्या ये कह दो कि वो पेपर प्रैक्टिकल पेपर है? आंसर इज नो। प्रोविजन जहां पे होंगे उसके बेस पे अगर क्वेश्चन बनेंगे वो लो बेस ही है, जहां पर भी एक्ट होगा ना वो लो बेस है। आज अगर मैं बात करूंगा इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना हुआ है, तो जहां पर भी एक्ट है वो लो है, उसके बेस पे जो क्वेश्चन बनेंगे हम प्रैक्टिकल पेपर नहीं कह सकते, वो बात एक अलग है कि वहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं। और आप इस बार का ओल्ड सिलेबस का पेपर देख लो, इस बार के ओल्ड सिलेबस के एग्जाम में 80% इन्होंने थ्योरी पूछी है। बच्चों ने पता क्या बोला है, सर कैलकुलेटर हम लेकर ही क्यों गए थे, कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो आप प्रैक्टिकल पेपर कह भी कैसे सकते हो। और इस बार के न्यू सिलेबस के अंदर भी 100 के 100 प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप चेक करोगे 60-40 की रेशियो है, 40 मार्क्स की जो उससे सिंपल प्रोविजन पूछे हैं, प्रोविजन आपको लिख के आने हैं। बट फिर बच्चे को प्रॉब्लम क्या आ रही है, बच्चे को ये आता है सर पेपर मुझे सारा आता है, स्टार्ट कहां से करना है, खत्म कहां पे करना है। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा बच्चे से, बहुत ध्यान सुना मेरी बात को, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं पहली क्लास है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे, फिर मैं भी दोबारा डिस्कस ना हो। अब एक बात मेरे को बताओ, मान लो एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, बच्चे ने कैलकुलेटर में सोल्व कर दिया, उसका आंसर निकल के आ गया, बच्चा बड़ा खुश है कि मेरा आंसर निकल के आ गया, बट प्रॉब्लम क्या, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू प्रेजेंट। भाई कैलकुलेशन तो कर ली, जैसे मैंने आपको बोला कि 15 लाख की इनकम पे टैक्स निकाल दो, अब आपने बोला 15 लाख की इनकम पे, गाबा सर ने कहा था 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे 30% लगता है, तो 5 लाख पे 30%, 10 लाख पे इतना टैक्स निकल के आ गया, आपने सब कुछ कर दिया, बट हाउ टू प्रेजेंट। आपको इस 15 लाख की इनकम में जो आपने टैक्स निकाला, कैलकुलेटर के अंदर जो लिखा हुआ है उसको यहां कैसे लिखना है, क्योंकि यहां लिखने के नंबर है, कैलकुलेटर पे आने के नंबर नहीं है। तो सबसे मेन मुद्दा है हाउ टू प्रेजेंट, न्यू सिलेबस के अंदर मैं आपको खासतौर पर बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ओल्ड के अंदर तो टैक्स का फिर भी गोले भरने होते हैं,
ठीक है, बट बाकी उनके पेपर गति है तो उनको पता होगा प्रेजेंटेशन की वैल्यू कितनी है। और मैं सिंपल सी बात बोल दूं, आर हर बच्चा तैयारी करके जा रहा है सर, आज अगर मान लो 50,000 बच्चा एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये समझ लो कि 40,000 तो तैयारी करके एग्जाम दे रहे हैं। मैं 10,000 कह सकता हूं उसमें से ये चेक करने क्या होगा, एक बार चेक करते हैं पेपर कैसा आ रहा है, बट 40,000 बच्चा तैयारी दे रहे हैं। अब 40,000 बच्चा अगर तैयारी करके एग्जाम दे रहे हैं फिर भी 5% रिजल्ट क्यों आ रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बच्चों को प्रेजेंट करना ही नहीं आ रहा, उसको क्वेश्चन रीड करना ही नहीं आ रहा। सर मैं यूट्यूब पे जब क्लासेस लेता हूँ, आई थिंक आपने शायद मेरे को कभी पहले देखा हो या सुना हो, तो यूट्यूब पे जब भी क्लासेस लेता हूँ ना तो बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर आप क्वेश्चन कराते हो तो हो जाते हैं, घर जाके करते हैं तो होते नहीं। मतलब मैं इतने सारे क्वेश्चन करवा दूंगा बच्चों को, सर इतने आसान क्वेश्चन पेपर के अंदर बनते हैं, और जब वही क्वेश्चन पेपर के अंदर बन जाता है बच्चा कहता है ये समझ नहीं आ रहा। उसका रीजन है क्योंकि जब मैं करवा रहा था उसको तो मैं तुम्हें क्वेश्चन पढ़वा रहा था और मुझे क्वेश्चन पढ़ने की टेक्निक पता है, तुमने कभी खुद अकेले में क्वेश्चन पढ़ा नहीं, तुमको पता ही नहीं क्वेश्चन पढ़ना कैसे है, सोल्व कैसे करोगे। तो इसलिए यहां पे इंपॉर्टेंस आती है सेल्फ स्टडी की, इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तुम्हें सेल्फ एनालिसिस ही नहीं होगा कि हमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। और जो बच्चा सारा टाइम यूट्यूब पर बैठा है, सर एक बात बताओ, मैं अगर मान लो यूट्यूब पर रिवीजन क्लास ले रहा हूं उसका हर बच्चे को फायदा होता है, बट ये बात ध्यान रखना अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया फेल हो जाओगे चाहे जितनी मर्जी रिवीजन क्लास आप देख लो। क्योंकि सिंपल सी बात है सर, जो मैं कराऊंगा ना वो तो आपको समझ में आ ही जाना है, मेरे को 10 साल हो गए पढ़ाते हुए टेक्स्ट को, मेरे को पता क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, अब मुझे पता क्वेश्चन कैसे पढ़ना, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें लग रहा है यार गाबा सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं कितने ईजी है, ये तो हो ही जाएंगे जैसे पेपर के अंदर वो क्वेश्चन बनेगा आप हो गए आप कैसे सोल्व करूं, क्योंकि वो अपने अकेले में अटेम्प्ट नहीं किया। तो आज से ही ये बात समझ लो, क्लास में हमने प्रैक्टिस भर भर के करनी है, बट उसके अलावा अगर मैं 3 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं तो वो 3 आपने अगले दिन करके आने हैं। सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं करके आओगे मुझे यहां पे वो करवाने हैं, बट अगर मैं करवाऊंगा आप फिर मेरे साथ करोगे, गारंटी ले लो आप नहीं एग्जाम निकाल सकते, आपका फिर December 24 तैयार खड़ा है। अगर आपको जून 24 में निकालना है तो जून 24 में निकालने के लिए खास तौर पे न्यू सिलेबस में कह रहा हूं, क्योंकि जब तुम्हें प्रेजेंटेशन करनी नहीं आएगी तो पेपर में दिक्कत आ सकती है। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है जी, चलो अब सुनो ध्यान से। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई, क्या समझ में आ गया कि पेपर हमारा 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है या सब्जेक्टिव भी बन सकता है, बट ये बात कन्फर्म है कि पहले क्वेश्चन बनेगा उसके नीचे क्वेश्चन दिए होंगे 20 नंबर का वो है, बाकी 80 मार्क्स के जो होंगे वो हमारे क्या होंगे डिस्क्रिप्टिव, और ओल्ड वाले बच्चे सब जानते हैं कि उनके तो MCQ भी बनने हैं। ठीक है जी, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। अब एक बात मेरे को बताओ, आपके सिलेबस में मैंने क्या बोला कितने टेक्स्ट कवर है, 2, कौन कौन से, एक तो डायरेक्ट और दूसरा। अच्छा डायरेक्ट टेक्स्ट में ना आपके बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं, एक तो इनकम टैक्स आप सबने सुना होगा, इनकम टैक्स सबने सुना होगा वैसे, चलो अच्छा आप में से किसी ने सुना है गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स किस किसे सुना है गिफ्ट टैक्स, चलो जिसने नहीं सुना मैं आपको बता दूं कि गिफ्ट पर भी टैक्स है और गिफ्ट टैक्स इज ए पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज का टैक्स इज ए पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक बहुत वाइड टर्म है, उसमें काफी सारे टैक्सेस इंक्लूड हो जाते हैं, तो वो हमारे सिलेबस में 60 नंबर का है। और एक सेकंड है इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये हमारे CS एग्जीक्यूटिव लेवल पे नहीं है, ये CS प्रोफेशनल लेवल पे, अगर आप टैक्स का ऑप्शन वहां पे लोगे जो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं लोगे, क्योंकि बच्चा कह रहा है सर जान छूटे एग्जीक्यूटिव में, हम तो इंस्टीट्यूट को आज अगर कहे ना मेल लिख दें कि टैक्स हटा ही दें। वैसे बता रहा हूँ कई बच्चों के दिल की तमन्ना है, बच्चा कह रहा अगर टैक्स हट जाए मैं उस दिन 11 रुपए का प्रसाद मंदिर में पक्का। वैसे बता रहा हूँ आप कह रहे हो ना नहीं, अच्छा अकाउंट्स हटा दो इधर सुनो ध्यान से, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी बता रहा हूँ सर, चाहे अकाउंट्स हो चाहे FM हो चाहे टैक्स हो, बच्चे को डर लगता है कैलकुलेशन से, सिंपल फंडा ही है मेरा, सिंपल फंडा उसको कैलकुलेशन से डर लगता है, वो कहता है भाई ये क्वेश्चन आ कहां से गया, मेरे से बच्चे पता क्या पूछते हैं सर टैक्स में थ्योरी कितने नंबर की आएगी, मैं समझ जाता हूं क्यों पूछ रहा तू, क्योंकि उसको पता कि प्रैक्टिकल तो होगा नहीं, थ्योरी पास करवा दे तो अच्छी बात है। और इस बार ओल्ड सिलेबस में इन्होंने थ्योरी भी इतनी बेसिक थ्योरी पूछ ली, बिल्कुल गिरे हुए लेवल के बच्चे को वो भी नहीं आती थी, क्यों, क्योंकि बच्चा उस लेवल की करके नहीं जाता, क्योंकि बच्चा अच्छे लेवल की करके जा रहा है, उसने कहा इंस्टीट्यूट ने कहा अच्छा दूंगा थ्योरी, बट ऐसी दूंगा जो थ्योरी करके जाएगा ही नहीं। इनकम की डेफिनेशन इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है, बच्चे का दिमाग, बच्चा पढ़ रहा है इनकम की डेफिनेशन में क्या आता है,
वो कह रहे डेफिनेशन बताओ इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव है, बच्चे का दिमाग कभी वहां गया ही नहीं। तो इंस्टीट्यूट कैसे भी गेम खेल सकता है, हमें हर तरफ से प्रिपेयर होकर जाना है क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम है, 11वीं 12वीं का एग्जाम नहीं है, सिंपल सी बात है ये चीज, ठीक है जी। चलो अब उसके बाद आपका इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में आपका एक तो जीएसटी आएगा अप्रोक्सीमेट 35 से लेकर 36 नंबर तक आएगा, और एक कस्टम आएगा आपके 4 नंबर का। सबसे पहले जो हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है वो हमें स्टार्ट करना है जीएसटी, ठीक है जी। हम यहाँ पे सारी क्लासेस जो करेंगे वो जीएसटी की करेंगे। लक्ष्मीनगर के अंदर कल मैंने स्टार्ट किया था, वहां पे इनकम टैक्स, मतलब वहां पे इनकम टैक्स की स्टार्टिंग होगी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अब थोड़ा सा मैं पहले जीएसटी पर आने से पहले ना एक बार थोड़ा सा बेस क्लियर कर दूं, और उससे पहले एक छोटी सी बात मैं और बताऊंगा, देन फिर मैं जीएसटी पे आ जाऊंगा जी। एक बात मैं को छोटी सी और बताऊं जी, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सबके एग्जाम जून में है, जून 24 में, किसी के दिसंबर 24 में तो नहीं है, चलो इनमें सबके एग्जाम जो है वो जून 24 के अंदर है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर जून 24 में एग्जाम है तो मैं जून 24 में निकालने भी है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, हर साल आपने सुना बजट आता है, बजट हर साल आता है, अच्छा कब आता है, नॉर्मली हमारा आता है मेरा 14 फरवरी को, नहीं नहीं 14 फरवरी को तो वो रक्षाबंधन कह रहा हूँ, अच्छा क्या 14 फरवरी को एक फेस्टिवल होता है ना, अच्छा कह रहे हो माय गॉड कैसी कैसी बात कर रहे हो, अच्छा 14 फरवरी को बजट नहीं आता, अच्छा उस दिन तो बजट जाता है जेब से पैसा, उस दिन तो बजट का जाता है, अच्छा अब एक बात बताऊ बजट नॉर्मली कब आता है वैसे, 1 फरवरी को, अच्छा आज हमारी डेट क्या है, आज हमारी 8 जनवरी, 8 जनवरी है, और मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेट अब हमारे आई थिंक 22 दिन और बचे हैं, 22-23 दिन और बचे हैं, 1 फरवरी को हमारा बजट आएगा, बहुत ध्यान सुना आपके काम की बात है, 1 फरवरी 2024 को हमारा बजट आएगा जी। अच्छा बजट कौन पेश करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर, और हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन जी नहीं बोलना, वो आपकी सहेली नहीं है, चलो अब कई बच्चों ने श्रीमती तू बोल दिया क्योंकि उन्होंने कल वाली क्लास देखी थी, बट कई बच्चों ने निर्मला ही बोला, तो निर्मला निर्मू ये नहीं बोलना, वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है ना, तो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी वो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, वो बजट लेके आती है, सारे बच्चे ध्यान दो। अब 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर जी बजट लेके आएंगे, उनके हाथ में एक आईपैड होगा, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बजट आता है, वो डॉक्यूमेंट में तो आता नहीं, आईपैड होगा उनके हाथ में, उसके अंदर से वो बजट पढ़ रहे होते हैं, बहुत ध्यान सुनना, अब उसके अंदर वो बजट पढ़ रहे होंगे, वो बोलेंगे इनकम टैक्स में अमेंडमेंट्स ये वाली, जीएसटी में अमेंडमेंट्स ये वाली, और तब तक हमारा मान लो जीएसटी के 2 चैप्टर खत्म हो गए, क्योंकि जीएसटी में स्टार्ट कर, अभी 20 दिन तो है, 20 दिन कुछ तो पढ़ेंगे ही, ऐसा तो है नहीं बजट का वेट करेंगे, अब 2 चैप्टर हमारे जीएसटी के खत्म हो गए, आपने भाई साहब प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं जीएसटी के, जबरदस्त आपकी तैयारी दबादब चल रही है, आप कह रहे भाई साहब मजा आ रहा है, खून में जीएसटी मिक्स हो गया मेरे, तो मैंने कहा 1 फरवरी को बजट सुन लेना, आपने बजट सुना, सीतारमन जी उधर से बोल रही है, आप वैसे ही मतलब बुक नोटबुक लेके बैठे हो, उन्होंने बोला कि जीएसटी का रेट जो है इससे चेंज हो गया, मतलब कोई भी गुड्स पे, और मैंने 20 दिन पहले क्लास में करवाया था रेट कुछ अलग, सीतारमन जी ने बोल दिया अब रेट ये लगेगा, या कोई प्रोविजन हमने क्लास में किया उन्होंने वो प्रोविजन चेंज कर दिया, क्या पॉसिबल है या नहीं है, मुझे तो नहीं पता 1 फरवरी को बजट क्या आने वाला है, मेरे को तो बजट पता ही नहीं है, उनको पता है परिवार, उनको भी अभी तक नहीं पता होगा शायद, क्या पता बजट अभी बना ही ना हो, या अगर बन गया हो तो पूरा ना बनाओ, मान लो 1 फरवरी को आप बजट देख रहे थे, पापा आपके साथ बैठे थे, उन्होंने कुछ बोला, आपको लगा यार जीएसटी में सर ने ये प्रोविजन तो कुछ अलग कराया है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, 1 फरवरी को जो भी वो इनकम टैक्स में या जीएसटी में जो भी अमेंडमेंट्स लेकर आएंगी, और 100% आएंगे अमेंडमेंट्स, ये तो कंफर्म है, तो क्या वो अमेंडमेंट्स हमारे जून 24 के एग्जाम में आएंगे नहीं आएंगे, यस या नो, तो पहले क्लियर कर लो, आंसर इज नो, मैं सारे बच्चों को साफ शब्दों में क्लियर कर रहा हूं, सर ये बातें आपको लगेगा बेकार की कि आप बता रहे हैं, बट यही बातें सबसे इंपॉर्टेंट है, और मेरे एग्जीक्यूटिव के फेस टू फेस तो इतना बच्चा होता नहीं, ऑनलाइन काफी बच्चा होता है, एग्जीक्यूटिव के 8 ग्रुप है, 8 का मतलब एक ग्रुप में कितने बच्चे होते हैं, पहले 256 होते थे, फिर आई थिंक तो 1000 बच्चे होते हैं, तो उसमें सब में 1000 नहीं है, मान लो 500 है, किसी में 400 है, किसी में कुछ है, 8 ग्रुप बने हुए हैं, उस 8 ग्रुप में जब मैं मैसेज देखता हूँ खोल के, किसी के अनरीड मैसेज 200, अनरीड मैसेज 150, मैसेज सारे दिन बच्चे कर रहे होते हैं, उसमें क्या चीज चल रही होती है, ये बेकार की बातें, अब बेकार की बात, कल की बात सुन लो, कल मेरी इनकम टैक्स में क्लास, मतलब लक्ष्मीनगर में क्लास थी, नया ग्रुप बनाया मैंने, कल मैंने बच्चों को उसके नया ग्रुप बनाया, तो किसी बच्चे ने उस ग्रुप में बोल दिया मेरे को इनकम टैक्स की बुक भेज दो कोई, मैंने क्लियरली क्लास में कहा था
कि मैं अभी बुक दूंगा और जो भी पीडीएफ होंगे मैं उस ग्रुप के अंदर भेजूंगा। कोई बच्चा था, उसने पुरानी बुक उठा के पीडीएफ भेज दी जीएसटी, फिर उसने बोला भाई थैंक यू सो मच, आप जीएसटी की भी भेज सकते हो, उसने जीएसटी की भी भेज दी, तो वो बुक्स भेज दी पुरानी। तुम्हारे एग्जाम जून में है, अब इससे हुआ क्या, ग्रुप में आई, आधे बच्चों ने किसी और ग्रुप में भेज दी वो आगे, फिर वहां से कहां फ्लो कर गई, सारे बच्चे गलत पढ़ रहे हैं क्योंकि वो दिसंबर 23 की बुक है। मैंने ऑडियो डाला, मैंने क्लास कम से कम ध्यान से सुननी चाहिए, मैंने क्या कहता, पीडीएफ मैं भेजूंगा, नई बुक भेजूंगा। सर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल व्हाट्सएप में, मेटीरियल कितने साल पुराना आ रहा है, किसका आ रहा है, क्या आ रहा है, बच्चों को पता ही नहीं है, बच्चे पढ़ता जा रहा है बस। बच्चे की गैलरी अगर खोल के देख लोगे ना 20 पेज के नोट्स मिल जाएंगे उसके पास, उसको ये नहीं पता पढ़ने कौन से हैं, उसको समझ ही नहीं आ रहा। सर इस चक्कर में वो एग्जाम में फेल हो रहा है, सबसे बड़ा रीजन फेलियर का व्हाट्सएप ये जो इतने सारे नोट्स है, सबसे बड़ा रीजन ये है, उसको पता ही ना पढ़ना क्या है, ऑथेंटिक सोर्स कौन सा है, लेटेस्ट है नहीं लेटेस्ट है क्या है वो। तो मैंने बच्चों को बोला या तो मैं एडमिन कर दूंगा इसको, क्योंकि अगर ऐसी बातें करोगे फिर तो एडमिन करने का मतलब बनता है ना, क्योंकि तुम फिजूल की बातें करोगे वहां से कहीं और फ्लो करेगा, नाम भी मेरा खराब होगा, कहा पुराना पढ़ा रहे हैं। तो जब मैंने बता दिया कि मैं नए नोट्स भेजूंगा, तो फिर मैं आपको भी ये बात कह रहा हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ध्यान से रहना। रीजन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि जून में अमेंडमेंट कौन सी आनी है, वही अमेंडमेंट हमें पढ़नी है, बस बात खत्म। अब सुनो ध्यान से, तो एक तो बजट 24 आने वाला है, सारे बच्चे बोल दो हमारे एग्जाम कब है, 2024 में ही है, और बजट में कौन सा आने वाला है 24, बट वो 24 का बजट हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। सर फिर कौन सा बजट आएगा, जो बजट 2023 था पिछले साल का, वो हमारे जून 24 और दिसंबर 24 के एग्जाम में आएगा, ये बात ध्यान दो। तो देखो मैंने क्या लिखा है, पहली बात तो फाइनेंस एक्ट 23 और फाइनेंस एक्ट 23 ये जून 24 के अंदर आना है, और एक बात और, 6 महीने पहले की अमेंडमेंट्स भी हमारे सिलेबस में आनी है। अब 6 महीने पहले का मतलब क्या है, आज क्या है, नहीं आज डेट क्या है, 8 जनवरी, हमारे एग्जाम कब है, जून, जून से 6 महीने पहले नवंबर, तो 30 नवंबर तक की अमेंडमेंट्स हमारे एग्जाम में आनी है, सोच के बोल देना। अब क्या चल रहा है, जनवरी, नवंबर जा चुका है अभी आना है, तो सारी अमेंडमेंट जो आनी है जून 24 की वो आ चुकी है, इसलिए तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना। अगर कोई बजट आते ही, क्योंकि बजट आते क्या होगा मैं बताता हूं क्या होगा, क्योंकि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, बच्चों का एक काम है बजट तो सुनना नहीं, कौन सुने समझ आए तब, तो बजट सुनना नहीं, बट मैसेज जरूर फॉरवर्ड करने हैं बजट के। आप किसी ग्रुप में होंगे उसमें कितना बड़ा मैसेज आएगा, तीन हाइलाइट्स ऑफ बजट 2024, बच्चों का भाई अभी फॉरवर्ड करता हूं सारे ग्रुप में, आप तुरंत फॉरवर्ड, कई बच्चे तो भाई साहब न्यूज चैनल की फोटो खींच के स्टेटस पे लगा देंगे, देखो मैं बजट सुन रहा हूं, पता नहीं उनको उसमें क्या लिखा है, बस ये दिखाने के लिए देखो मैंने बजट सुना, मुझे भी समझ आता है, बट आपको ये नहीं पता, न्यूज चैनल वाले को भी नहीं पता बजट में क्या है, आधी गलत न्यूज तो वही फैला रहे हैं। और आपको मैं इस बार, अभी एक बहुत बड़ा चैनल है कल तक, समझ गए ना, कल तक समझ गए ना, चैनल का नाम क्या है, कल तक, उसके स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा क्लास में आपको। उधर सीतारमन जी बोल रही है, जैसे सीतारमन जी ने बोला इनको समझ आया नहीं क्या बोला, इन्होंने कुछ और समझा और ब्रेकिंग न्यूज शीशे तोड़ दिए फटाफट से, पता नहीं शीशे तोड़ के ब्रेकिंग न्यूज करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज 7 लाख तक की इनकम हुई एग्जाम। भाई साहब मैं सोचूं सीतारमन जी कुछ और बोल रही हैं, ये तो मेरे पढ़ने में कोई समझने में दिक्कत है, ये चैनल वाले अच्छे हैं, मतलब 7 लाख तक की इनकम एग्जाम, उन्होंने कुछ अलग बोला, इन्होंने कुछ अलग लिख दिया, सारी जनता न्यूज चैनल देख रही है, आधों के दिमाग में गलत घुस गया, एक्चुअल में वो रियलिटी थी नहीं, और आधे ने स्टेटस पे वो लगा दिया, स्टेटस कॉपी करके फिर किसी और ने लगा दिया, दुनिया के अंदर फैल गया बस, फिर बाद में रियलिटी पता लगा भाई वो 7 लाख की इनकम एग्जाम थी, वो रिबेट की बात कर रहे थे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो सिंपल की बात मैं कहना चाह रहा हूं सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब भी आप बजट सुनना है तो बहुत ध्यान से सुनना है, ऐसा नहीं आंखें बंद करके फॉरवर्ड कर दो, आपको पता भी उसमें क्या लिखा है, वो सही लिखा गलत लिखा, क्योंकि आर गलत न्यूज है बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। तो सिंपल सी बात ये निकल कह रहे कि हम जो भी क्लास पे, आपको मैं दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट, आपको मैं उस चैनल के स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा बताओ सही लिखा गलत लिखा, बट वो सारी जनता वो देख रही है। तो बजट अभी 24 का आने वाला है, वो हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, ये रहे बात जी। अब 30 नवंबर तक के चेंजेस जो आने थे वो भी आ चुके हैं, तो जून 24 वाले बच्चे निश्चिंत हो जाएं, जो हम यहाँ पे बैच आज स्टार्ट कर रहे हैं फुली अपडेटेड बैच है, सिंगल चेंज भी आपको एडिशनल नहीं करना, हम बिल्कुल नया पढ़ेंगे।
अच्छा अभी मेरी ना फरवरी के एंड में अमेंडमेंट क्लास आएंगी यूट्यूब पे, अमेंडमेंट क्लास डालूंगा, तो आप मुझे मैसेज करके क्या पूछोगे कि सर ये अमेंडमेंट क्लास हमें करनी है या पूछोगे, मैं बता रहा हूं पूछोगे, मेरा रिप्लाई क्या आएगा, नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि हम करंट बैच पढ़ रहे हैं। वो किसके लिए अमेंडमेंट क्लास डालूंगा, जिन्होंने दिसंबर में एग्जाम दे दिए हैं या जो दिसंबर वाला बैच लेके बैठे थे। तो ये मैं आज ही क्लियर कर रहा हूं, तो जो भी अमेंडमेंट क्लास मेरी आनी होंगी वो तुम मत पूछना हमारे लिए है या नहीं है, क्योंकि हम क्लास में लेटेस्ट ही करेंगे, हम सारा अमेंडेड ही करेंगे। आपको सिंगल अमेंडमेंट क्लास भी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बात ध्यान दो, क्योंकि हम फुली अपडेटेड कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई, बिल्कुल पक्का पक्का। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब दो बातें मैंने आपको बता दी, तो सिलेबस में क्या क्या है एक बार दोबारा बोलना। सिलेबस में हमारे दो टैक्स है, कौन कौन से, डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट। कितने नंबर का है न्यू सिलेबस में, 60, और आईडीटी 40। डायरेक्ट में कौन सा टैक्स आएगा, इनकम टैक्स, और आईडीटी में कौन कौन से आएंगे, जीएसटी और कस्टम। इनकम टैक्स कितने नंबर का आएगा, 60, जीएसटी अप्रोक्सीमेट 35 to 36, और कस्टम कितने नंबर का आएगा, 4 से लेके 5। अच्छा एक बच्चे ने कल मेरे से व्हाट्सएप पे लड़ाई कर ली, तो लड़ाई क्यों कर ली, कई बार बच्चे होते हैं ना थोड़ा सा। एक बच्चा कल जब मैंने ऑडियो डाली, एक बच्चे का मैसेज आ गया, तो मैसेज आया कहता सर आपने ये कैसे कह दिया जीएसटी 36 नंबर का है। मैंने कहा क्यों भाई, कह रहा मैंने मॉड्यूल खोला है। मैं कहा अच्छी बात है खोला है, ये शुक्र है मॉड्यूल खोला है, नहीं तो मॉड्यूल नहीं खोलता तू तो कई बार। मैंने फिर देखा गया उसमें, कह रहा ये तो देखा मैंने इनकम टैक्स 60 का है, बट उन्होंने लिखे जीएसटी एंड कस्टम 40 का। भाई सर कैसे है नहीं, आपने कैसे दी, अब क्या पता कस्टम 40 नंबर का आ जाए सारा। मैं कहा नहीं आ सकता, उसका एक ही चैप्टर दिया, वो भी बहुत छोटा सा, और 5 ट्रेंड ये बात कहता है जीएसटी इतना बड़ा दिया हुआ है, इतने सारे चैप्टर हैं, अप्रोक्सीमेट 35 से 36 नंबर का आएगा ही आएगा। बट अगर तुम कहो इंस्टीट्यूट ने बताया है तो नहीं बताया, बट अगर आप इंस्टीट्यूट सैंपल पेपर चेक करोगे पीछे दिया हुआ तो 35 36 नंबर का जीएसटी उन्होंने दिया हुआ है, और इतने का ही बनेगा, बस ये पर ध्यान दो, ये बात क्लियर है। चलो अब मैं आ रहा हूं जी अपने जीएसटी पे, जो आज हमें स्टार्ट करना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आओ जी अब एक बार फटाफट सारे बच्चे, हेलो लाइव वाले बच्चे भी यहाँ पे ध्यान देंगे जी। अब यहाँ पे एक बार बताओ आज हमें स्टार्ट क्या करना है, बस एक बार नाम बोल दो, अच्छे से बोलो अच्छे से, क्या करना है, जीएसटी, बस आज हमें यह स्टार्ट करना है। कितने नंबर का मैं लेके चल रहा हूं, 35 to 36 मार्क्स का ये मैं लेके चल रहा हूं जी, जो हमें आज स्टार्ट करना है। सारे बच्चे बस मेरे को ये बोल दो जीएसटी जो आज हमें स्टार्ट करना है, आप में से किस किस बच्चे ने जीएसटी का नाम सुना हुआ है पहले, और किस किस ने कभी नहीं सुना। ओके सबने सुना है, अच्छा कोई बताएगा जीएसटी आपने सबने सुना है, ये तो अच्छी बात है। और वैसे पता है जीएसटी आया कब था इंडिया में, कब आया था मेरे ख्याल से अपना सर है, कब क्या कह रहे हो, एक बार दोबारा बोला, 1 जुलाई 2017, में एक मिनट रुकना जरा, जो ये कह रहे हैं जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया था, प्लीज हैंड रेस, मैं एक बार उनके चेहरे देख ही लूं, 1 2 ओके, बाकी सबके मतलब कोशिश करो तुक्का ही मारना है जी। 2015 में आया था जीएसटी, ठीक है अच्छी बात है जी। 2017 में 16 में, 2016 में जीएसटी आया था, ओके जी। लाइव वाले बच्चे कह रहे हैं 2017 में आया था, एक बच्चा कह रहा है जिस दिन मेरा जन्म हुआ था नालायक, इनकी लगी कहानी चल रही है, कह रहा मेरा बर्थडे के दिन आया था। हाँ जी तो अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपसे एक लाइन पूछी थी अभी, जो 17 में कह रहे हैं हैंड रेज करो नालायक, एक बार दोबारा से, जो ये कह रहे हैं जीएसटी 2017 में आया था 17, प्लीज हैंड रेज। चलो अब मैं बता दूं, बिल्कुल सही आंसर है, 1 जुलाई 17 को ही इंडिया में जीएसटी आया, ये 15 और 16 वाले गलत है, ठीक है। अब तो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, 15 16 में नहीं आया। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान दें, 1 जुलाई 17 को जीएसटी आया था, आज है हमारी तारीख 8 जनवरी 2024, कितने साल हो गए, 17 18 19 20 21 22 23 24, अप्रोक्सीमेट 5 साल, 5 साल कितने महीने हो गए, 5 साल, हाँ 5 साल
जुलाई में आया था ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और 5 साल आई थिंक 5 महीने 6 साल। अच्छा मैं वही देख रहा था कि आप कैसे काउंटिंग करते हो। 6 साल 5 महीने अप्रोक्सीमेट जीएसटी को आए हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 6 साल हो चुके हैं टैक्स को आए। सारे बच्चे पहले मेरे को बता दो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विसेज या सर्विस, सर्विसेज टैक्स। सर्विसेज टैक्स क्यों, क्योंकि यहां पे मल्टीपल सर्विस टैक्सेबल है, सिंगल सर्विस टैक्सेबल नहीं है। तो पहली बात फुल फॉर्म समझो कि जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये बात क्लियर है। अच्छा एक बात मैं और बताऊं, अब जीएसटी की फुल फॉर्म आपने मुझे बता दी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बताना एक बार इंडिया में जीएसटी कौन कौन से हैं, नाम बोलते रहो, कौन कौन से आपने सुने हैं, सुने कौन कौन से हैं। एक तो सीजीएसटी सुना है आपने, ओके, और एसजीएसटी सुना हुआ है, और क्या सुना आपने, आईजीएसटी सुना हुआ है, और क्या बात है, यूटीजीएसटी सुना हुआ है, और वैट 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 नहीं, सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स। क्या ये जीएसटी है या जीएसटी नहीं है? तो जीएसटी कितने हैं, सीजीएसटी, एससीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी, ये 4 तरह के जीएसटी है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा अब ये बताओ इनमें से आपने कौन कौन से जीएसटी को एक साथ देखा है, सीजीएसटी प्लस में एससीएसटी आपने एक साथ लगा हुआ देखा होगा, सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी ये भी एक साथ लगता है, बट आईजीएसटी जो है वो अकेला लगता है। बातें छोटी छोटी हैं, इंपैक्ट बहुत बड़ा है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, 4 जीएसटी हैं बट एक्चुअल में देखने को मिलेंगे 3 तरह के। या तो आपके बिल में ये लगा होगा, या आपके बिल में ये लगा होगा, या आपके बिल में सिर्फ इकलौता जो है वो आईजीएसटी लगा होगा। रीजन क्या है, क्योंकि आईजीएसटी इज नटशेल इज ए सम टोटल ऑफ सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी, मतलब आईजीएसटी अपने आप में ही इन दोनों का सम टोटल है। तो या तो बिल में ये देखने को मिलेगा, या बिल में ये देखने को मिलेगा, या बिल में ये देखने को मिलेगा, इन तीनों में से कोई भी जीएसटी बिल में देखने को मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा अब ये कब देखने को मिलेंगे वो सुनो, मैं अभी जीएसटी का चैप्टर 1 स्टार्ट नहीं कर रहा और आज मुझे स्टार्ट कर रहा भी नहीं है, पूरा बेस क्लियर कर दूंगा कि जीएसटी में है क्या। अब एक बात मेरे को बताओ, आपने ये जीएसटी देखे, ये जीएसटी कब देखे आपने? गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर कोई भी सामान सेम स्टेट में बिकेगा, कोई भी सामान अगर सेम स्टेट में सेल होगा ना, तो नॉर्मली वहां पर आपको देखने को मिलेगा सीजीएसटी प्लस में एससीएसटी। कोई भी सामान अगर सेम यूनियन टेरिटरी में सप्लाई होगा तो सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी। और कोई भी सामान अगर दूसरी स्टेट में सेल करोगे, दूसरी यूटी में सेल करोगे, दूसरी कंट्री में सेल करोगे, या स्टेट से यूटी में सेल करोगे, तो वहां पर देखने को मिलेगा आईजीएसटी। पहली बात तो ये बेसिक बात समझो। अच्छा मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जब मैं बोलता हूं सेम स्टेट में बिका तो सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी, तो दिमाग में क्वेश्चन आया इंडिया में स्टेट कितनी है, बताओ जी। अच्छा पहले आपको पता है आप इंडिया में रह रहे हो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा अभी आप कहां रह रहे हो वैसे? अच्छा ये आज हमारी क्लास कहां हो रही है? पटेल नगर। पटेल नगर कहां पे आता है? दिल्ली में। दिल्ली कहां पे है? इंडिया में। ये बात तो क्लियर है। अब मेरा क्वेश्चन बस ये है कि जो आज हमारा इंडिया है, इंडिया में टोटल मिला के स्टेट कितनी है? हैं? यार आप ना 28 स्टेट है। एक बार दोबारा बोलना कौन कौन कह रहा है 28, एक बार हैंड रेस करना जरा जी। आप कुछ आपने हैंड रेस नहीं किया। 29 स्टेट। इधर आ जाओ 29। लेट कैसे हो गए सर? जस्ट ठंड में बुला लेते हो, पहली बात तो ठंड में उठना, अरे ठंड में उठना बड़े कितनी गनीमत वाली बात है ना। मतलब पहली बात तो मतलब मैं आपको, मेरा मन कर रहा था कि आप सुबह सुबह यहाँ आए हो, आपके लिए एक बार तालियां बजती है वैसे। ओह बच्चा यार, ओ माय गॉड, सुबह सुबह उठना ही बड़ी दिक्कत है। देखो कई बच्चों को तो अभी भी नींद आ रही है, कई बच्चे उठ नहीं पाए अभी अच्छे से। बच्चे कह रहे बैठे जरूर है, कसम लगे माता रानी के समझ में कुछ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि एक बंदा के बोल रहा है। ठीक है बस आंखें हमारी, अगर अभी हमें कंबल मिल जाए आप पढ़ाते रहो, हमारा कुछ नहीं है। ऐसा होता है ना कई बार, तो सुबह सुबह बस उठना, और जब अंदर से हवा घुसती है यहाँ पे ठंडी, ऐसा होता है ना। चलो वापिस आओ नालायक को। अब देखो गर्मी सर्दी छोड़ दो जून के लिए,
ठीक है ना। अब जून में आज क्या तारीख है, 8 जनवरी ना, फरवरी मार्च अप्रैल मई, 4 महीने बस। और पेपर अगर दोनों ग्रुप हैं, पेपर 7, कितने आदमी थे, 7, और 7 पेपर 4 महीने। और अगर मान लो एक ग्रुप भी है तो भी 4 महीने बहुत कम है, तो आपके पास मौका ही नहीं है कि चल आज चाय पीने चलते हैं बहन, ये कहने का भी। आपके पास ये मौका है, चल बहन रिवीजन करते हुए चलते हैं, ये मौका है आपके पास। चाय पीने में जानी है ना, ऐसे चाय पीने जा रहे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चाय तो पीनी पड़ेगी या कुछ खाना पड़ेगा, रिवीजन करते हुए आज जीएसटी में क्या पड़ा। सर ये आपको टाइम यूज करना है, मैं कह रहा हूँ वहां जाने में 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट तुम क्या करोगे, यार वो ना अच्छा नहीं था, मतलब बुराइयां ही करोगे किसी की, तुम कन्फर्म है चुगली तुमसे, जितनी मर्जी करवा लो। तो बेटर यह कि 10 मिनट को अच्छे से यूज कर लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। अब मुझे फटाफट से बताओ जी, 28 आपकी स्टेट है, 29 नहीं है जी, 28 स्टेट है। अच्छा यूटी कितनी है इंडिया में, 8, आपकी 8 यूटी है। अब सारे बच्चे बोलो 8 यूटी है, 28 आपकी स्टेट है। अब सारे बच्चे सोच समझ के बोलना, 28 हमारी स्टेट है और 8 यूटी है, अगर इन 28 स्टेट में सामान बेचोगे तो सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। अच्छा इन 8 यूटी में सामान बेचोगे तो सीजीएसटी प्लस में, बट ऐसा नहीं है। अब बहुत ध्यान सुनना, एक नई बात बता रहा हूं आज आपको, पहले 8 यूटी के नाम बताओ मेरे को कौन कौन सी है। 8 यूटी के नाम, एक तो हमारी है कौन सी है, जेएनके, चलो और बताओ, लद्दाख हो गया, पुडुचेरी या पौंडीचेरी हो गया, और बताओ, दमन एंड दियो और दादरा नगर हवेली, अब ये एक यूटी है, अभी एक है, 2 यूटी नहीं है अभी, कई बच्चों को शौक लगा सुन के एक ही है, जैसे बच्चे को लगा ये कब हुआ, तो हो गया, ये इसको हुए भी 1 साल हो गया, तो मैं बता रहा हूँ ये एक है। अब उसके बाद और बताओ, दिल्ली, दिल्ली भी यूटी है, और बताओ है चंडीगढ़, और लक्षद्वीप, और अंडमान निकोबार, ये 8 आपकी यूटी है। ये नाम दिमाग में सेट कर लो, इसलिए कह रहा हूं कोई ऐसा ना हो कल तुमसे ईटी वाला बच्चा पूछे और तुम कह दो 9 यूटी, वो कहले पहले ईटी दोबारा क्लियर कर, एग्जीक्यूटिव में कैसे आ गया। तो 8 यूटी है, 8 यूटी के नाम आपके ये वाले हैं। अब बहुत ध्यान सुना, इस 8 यूटी की ना 2 बाइफरकेशन है, गवर्नमेंट कह रही है इसमें कुछ यूटी ऐसी है जो विद लेजिस्लेचर है, विद लेजिस्लेचर, नोटिंग मत करो मैं सब कुछ नोट डाउन करवा दूंगा बढ़िया तरीके से, अभी सिर्फ सुन लो, और कुछ यूटी ऐसी हैं जो विदाउट लेजिस्लेचर है। विद लेजिस्लेचर मींस जिनकी खुद की असेंबली है, खुद की गवर्नमेंट है, खुद का सीएम है। अच्छा एक बात बताना, दिल्ली में खुद का सीएम है या नहीं है, कौन है हमारे, केजरीवाल जी, नहीं तुम हंस कर उनकी बात पे, केजरीवाल पैसा कौन है, क्यों हंस रहे हो है? मैं उनका अंधभगत हूं ऐसा लोग कहते हैं कई, सुनो ध्यान से। तो एक तो हमारी दिल्ली है, अब 3 यूटी ऐसी हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी और जेएनके, ये 3 यूटी को हम जीएसटी में स्टेट मानते हैं, बहुत ध्यान सुना। एक तो मैंने बोला दिल्ली, एक मैंने बोला पौंडीचेरी, एक मैंने बोला जेएनके, ये 3 यूटी ऐसी हैं जिनको जीएसटी में स्टेट मानते हैं, इनकी खुद की असेंबली है, खुद की असेंबली है। जेएनके के भी खुद का सीएम नहीं है, बट गवर्नमेंट ने कहा था आगे इलेक्शन करवाएंगे उनके अलग सीएम होगा, तो वहां पे खुद की असेंबली है, तो गवर्नमेंट ने कहा ये 3 यूटी को ना जीएसटी में स्टेट मानोगे, बाकी जो 5 यूटी उनको यूटी ही मानोगे। अब सारे बच्चे आंसर दे देना, अब जीएसटी में 28 स्टेट हो गई या 31 स्टेट हो गई, 31, 28 तो नॉर्मल है और 3 यूटी को भी क्या मान लिया, तो 31 जीएसटी में स्टेट निकल के आ रही है। इट मीन अगर इसके बीच में सप्लाई करोगे तो सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी लगेगा, और अगर जो आपकी 5 यूटी है अगर उसके बीच में सप्लाई करोगे तो सीजीएसटी प्लस में यूटी जीएसटी लगेगा, और अगर यहां से यहां सप्लाई करोगे या दूसरी स्टेट में सप्लाई करोगे, दूसरी यूटी में सप्लाई करोगे, दूसरी कंट्री में सप्लाई करोगे, तो वहां पर एप्लीकेबल क्या होगा, आईजीएसटी। बस ये पर ध्यान दो, क्या ये बेसिक बात क्लियर हो गई, मुझे कुछ आंसर देना। अगर मैंने दिल्ली से दिल्ली में सामान बेचा क्या लगेगा, अगर दिल्ली से हरियाणा बेचा, दिल्ली से हरियाणा सामान बेचा आईजीएसटी, हरियाणा से पंजाब, बहुत सोच रहे हो, पंजाब से यूपी, यूपी से यूपी, चंडीगढ़ से चंडीगढ़, सीजीएसटी प्लस में यूटी जीएसटी, आंसर बहुत सोच समझ के देना मैं कह रहा हूं। उसके बाद चंडीगढ़ से अंडमान निकोबार आईजीएसटी, क्योंकि दोनों अलग अलग यूटी हैं। अब समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सेम यूटी में सामान बेचा
सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी है। सेम स्टेट में सामान बेचा तब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी है, अगर दूसरी स्टेट होगी, दूसरी यूटी होगी, स्टेट से यूटी होगी, दूसरी कंट्री होगी, सब केस में आईजीएसटी है। यहां तक बात क्लियर हो रही है जी? चलो अब सुनो ध्यान से, अब ये हमें समझ में आ गया कि हमने एक तो सीजीएसटी सुना हुआ है, एक एसजीएसटी सुना हुआ है, एक हमने यूटीजीएसटी सुना हुआ है और एक हमने सुना हुआ है आपका आईजीएसटी। ठीक है जी, तो या तो ये लगेगा या ये लगेगा या अकेला आईजीएसटी लगेगा, ये बात हमें समझ में आ गई। अब एक बात मेरे को बताओ जी, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। अच्छा एक बच्चा कह रहा है गोवा यूटी है, एक बच्चे ने मेरे को भी लाइव में आंसर दिया कि सर गोवा यूटी है, बताना जी एक बार गोवा यूटी है, गोवा स्टेट है। अच्छा कई लोगों को ये नहीं पता गोवा इंडिया में है, मैं सिर्फ बता रहा हूं सर, उनको लगता है गोवा इंडिया से बाहर है क्योंकि वहां पे एक्चुअल में बीच है, वहां पे लोग ऐसे लेते होते थोड़ा सन बात ऐसे करके अपना थोड़ा देखा ना जैसे फॉरनर होते हैं, आपको भी कभी आप देखा मैसे मूवीज में जितने भी फॉरनर्स होते हैं उनका एक काम होता है सात दिन सनबास ले, पता नहीं कितने दिन सूरज की किरणें लेनी है। हम तो जाते हैं, हम तो टैन हो जाते हैं पूरा, हम तो कहते हैं ये क्या हो गया वो क्या हो गया, वो पूरा दिन ऐसे करके लेट रहेंगे, पता नहीं क्या करते रहते, काम धंधे ही नहीं है उनको। तो कईयों को लगता है कि गोवा इंडिया में नहीं है, गोवा इंडिया में है। और दूसरी बात, गोवा स्टेट है तो गोवा में एसजीएसटी की बात होगी, गोवा में यूटीजीएसटी की बात नहीं होगी, बस ये बात ध्यान दो, ये बात क्लियर है। अब मेरे को बताओ, अच्छा अब सारे बच्चे ध्यान देना इधर, आप में से कौन कौन कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया है, कौन कौन कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया है, हैंड रेस करते रहो, ये नहीं सारे ही गए तो मैं क्यों हथकड़ करूं, सब सब गए हैं। अच्छा रेस्टोरेंट का बिल किस किसने कभी देखा है, सबने देखा है, उस बिल में क्या क्या लगा हुआ देखा है आपने, एक क्या लगा हुआ देखा है सीजीएसटी एसजीएसटी। अच्छा किसने सर्विस चार्ज भी लगा हुआ देखा है, किस किसने लगा हुआ देखा है सर्विस चार्ज, और किस किसने लगा हुआ नहीं देखा। तो जिन्होंने नहीं देखा मैं बता दूं, फिर आई थिंक आपने बिल ही नहीं देखा, या अगर बिल देखा है तो ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि आजकल हम बिल ध्यान से देखते ही नहीं है। अब बहुत ध्यान सुना, एक बात तो मैं बता रहा हूं आज मैं नहीं, और एक बच्चे ने मुझसे और डाउट पूछा सर जेएनके का सीएम है, मैंने अभी बोला ना जेएनके का अभी सीएम नहीं है, बट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि वहां पर जीएम और सॉरी सीएम अनाउंस करेंगे, मतलब सीएम होगा वहां पे। अब सुनो बहुत ध्यान सुनना, आप में से होटल में सब खाना खाने गए हो, जब तुम खाना खा लेते हो, मान लो आज हम होटल में खाना खाने गए, खाना हमने खा लिया, उसके बाद क्या होगा, मतलब खाना खा लिया फिर आप क्या मंगाते हो उससे, नहीं नहीं उससे पहले आप वो मंगाते हो ना भाई हाथ धोने के लिए वो लेके आ, नहीं टिश्यू से पहले वो लेमन जो आता है, कई बार तो लोग नींबू पानी समर के पी जाते हैं उसको, पहली बार मैंने किया था पहली बार। अच्छा मेरे को सर इसमें वो हंसने की बात नहीं है, हम पहली बार होटल में गए ऐसा हो जाता है, नहीं पता होता आए। अच्छा क्या होता है कईयों को पता नहीं होता, सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, जब भी ऐसी चीज कोई आ जाए ना, अरे सबको देखो, मैं एक्साइटेड हो गया था, आया नींबू, अच्छा उसमें बोल दे दी उन्होंने दो नींबू के टुकड़े पानी, मैंने और मैं इंटेलिजेंट पहले तो नींबू नहीं छोड़ा, फिर नमक डाल दिया, मैं पीने लगा, मेरे साथ वाले मेरे पापा ने बोला कह रहे क्या कर रहा है इसको हाथ धोने में, हाथ धोने के लिए नींबू आ रहे हैं, ओ माय गॉड। अच्छा ऐसा होता है, ऐसा आपने कभी किया सा, अरे वैसे किस किसने वैसे पहले पिया आपने, वैसे पिया ऐसे, नहीं पिया, एक बच्चा कह रही है देखो आप कह रही सर ऐसा हुआ है, ऐसा हो जाता है। और आज कल तो ना वो टिश्यू पेपर भी गोल वाले आ गए हैं, इतने छोटे सर, वो पहले ना वो गोल गोल मिट्टी गोलियां आती थी, वो ऐसे लगते हैं, सही बता रहा हूं मैं, बिल्कुल छोटे छोटे गोल गोल से होते हैं, वो भी आजकल टिश्यू पेपर देते हैं। अब सुनो ध्यान से, तो आपने वो मंगाया अपना नींबू पानी से, अपना हाथ वो धोया आपने, फिर आपने कहा भैया बिल लेके आ जाओ, ऐसे ही बोलते हो, फिर वो आता है, वो अपना वेटर आता है, वेटर के हाथ में एक ब्लैक सी डायरी होती है, ब्लैक सी डायरी की होती है, उसमें एक पॉकेट सी बनी होती है छोटी सी, आप कभी देखना वहां पे डायरी के अंदर, कई बार होती है कई बार नहीं होती। आप नॉर्मली क्या करते हो बता रहा हूं तुम्हें, 950 रुपए आप सिर्फ बिल का लास्ट अमाउंट देखते हो, आपने ये चेक नहीं किया कि दाल मखनी उसने कितनी लगाई, आपने ये चेक नहीं किया आपने पानी की दो बोतल ली थी उसने तीन लगा दी, नहीं चेक करके, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, और बहुत बार ऐसा बिल कई बार गलत बन जाता है, ऐसा हुआ है, क्योंकि आप कभी चेक करना, रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, आते ही ना पानी की बोतल रख देते हैं, क्योंकि वो प्राइस की होती है, आप उसके पैसे लगते हैं। अब क्या होता है कई बार हम वो खोलते ही नहीं, उसने तीन बोतल रखी थी, वेटर ने माना के बोल दिया सर तीन बोतल इनकी टेबल पर रख दी है, आपने वो तीन में से मान लो दो खोल ली, एक वहीं पड़ी है, आपके बिल में तीन लगी है, आपने बिल ध्यान से चेक ही नहीं किया, ये बहुत बड़ी गलत चीज है, ये पढ़े लिखे अनपढ़ की निशानी है।
और अगर आप जीएसटी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो जीएसटी प्रैक्टिकल लाइफ है, जीएसटी कोई पेपर नहीं है। यह मैं आपको फील करवा दूंगा। अब हर क्लास में वेट करोगे दूसरी क्लास का भी, दूसरी क्लास कब आएगी, क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं इसमें, इसमें कोई थ्योरेटिकल बातें हैं ही नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ है ये बिल्कुल। तो हम सुना ध्यान से, आप होटल में गए तो बिल आया। अच्छा बिल में आपने देखा 950 रुपए, थोड़ा सा ऊपर देखा सीजीएसटी एसजीएसटी और नीचे सर्विस चार्ज लगा हुआ था, नीचे सर्विस चार्ज लगा हुआ था। चलो पहले मैं एक बात और पूछ लेता हूँ, सर्विस चार्ज अभी हटा दो, सर्विस चार्ज अभी हटाओ। मेरे को ये बता दो, आप हल्दीराम में लाल कचौरी खाने गए, हल्दीराम वाले ने बोला लाल कचौरी 120 रुपए की है, ऐसे ही बोलता है वो, और लाल कचौरी पर 5% जीएसटी है। आप मेरे को निकाल के बता सकते हो कि इसमें लाल कचौरी की वैल्यू कितनी है और जीएसटी कितना है? ये बिल्कुल बेसिक बात करो, मैंने जीएसटी स्टार्ट नहीं किया, ये प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं। आप हल्दीराम कभी ना कभी गए होंगे, छोले भटूरे की बात कर लेते हैं, उसने बोला छोले भटूरे की एक प्लेट 120 रुपए की है, उस पर 5% जीएसटी है, छोले भटूरे पर 5% जीएसटी का रेट है। आप मेरे को ये बता दो बस, उसके बिल में छोले भटूरे का प्राइस कितना लगा होगा और जीएसटी कितना लगा होगा, बताओ जी। 120 में जीएसटी कितना है जी, है बोलो ना, 5% अगर जीएसटी है, अब मेरे को टोटल जीएसटी लगा दो, सीजीएसटी एसजीएसटी छोड़ दो, 120 का 5% 60 रुपए, अरे राम, 6 रुपए ना, 6 रुपए पहले तो मतलब पहले के लिए 6 ना होता है ना, 120 का 50% नहीं, 5 कितना बन गया, 6, तो 6 रुपए आप कह रहे हो जीएसटी लगा होगा, और 114 रुपए के क्या होंगे, छोले भटूरे होंगे। आंसर इज नो, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं नहीं नहीं, अभी सुनो ध्यान से, मैं यही कह रहा हूं सर, ये बातें छोटी छोटी हैं, आप आज तक क्या कर रहे थे वो आपको भी नहीं पता चल रहा था, क्योंकि आप पढ़ नहीं थे टैक्स, अब होगी बेइज्जती। पापा पूछेंगे बेटे क्या पढ़ के आ रहा है, गावा सर तो यूट्यूब पे इतना छाए हुए हैं, उनका बच्चा तो मेरा नाम खराब कर रहा है। सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब 114 और 6 कॉम्बिनेशन ही नहीं है। हल्दीराम ने क्या बोला था बताओ, छोले भटूरे कितने के हैं, मतलब इस 120 में जीएसटी भी है और इसी 120 में छोले भटूरे का प्राइस भी है, मतलब ये प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, क्या मैं कह सकता हूं ये प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है या एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, मतलब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा या इसको इसमें जीएसटी है। मेरी कोचिंग की फीस 8,000 है, क्या उसमें सब कुछ इंक्लूड है या नहीं है, हाँ या ना बोलते रहो बस। क्या तुमसे बाहर भैया ये बोलते हैं कि 9,000 रुपए की फीस है प्लस में जीएसटी देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं वो, 9,000 रुपए की फीस, 8,000 रुपए की फीस, बुक्स भी इंक्लूड है, जीएसटी भी इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है, ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। उसमें 120 रुपए के छोले भटूरे, उसमें जीएसटी भी है, मतलब क्या है कि ये 120 रुपए 100% के बराबर नहीं है। 120 रुपए सेल प्राइस है, 120 रुपए सेल प्राइस है, मुझे कॉस्ट निकालनी है, याद करो बचपन के दिन, कॉस्ट पता नहीं तो मान लो एक्स, बच्चे अगर ये तो समझ नहीं आता था, ये दोबारा कहां से आ गया, कॉस्ट मान लो एक्स या कॉस्ट मान लो 100, ऐसे बोलते थे ना, कॉस्ट मान लो 100, अब अगर कॉस्ट मान लो 100 उसमें 5 रुपए का जीएसटी तो 105 रुपए सेल प्राइस आ गया, ऐसे होता था ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, बोलो हाँ। अब 100 रुपए अगर कॉस्ट है, 5 रुपए का प्रॉफिट है तो 105 रुपए का सेल प्राइस, ऐसे ही 100 रुपए के मान लो छोले भटूरे हैं, 5 रुपए का मान लो उस पर जीएसटी लगा तो 105 रुपए सेल प्राइस है। अब सेल प्राइस हमें दिया कितना हुआ है 120, तो मतलब 120 रुपए 105% के बराबर है। तो अगर 120 रुपए 105% के बराबर है, मल्टीप्लाई अगर तुम 100 कर दोगे ना, तो ये तुम्हारे छोले भटूरे की रियल वैल्यू आएगी। अब मेरे को कैलकुलेटर अगर लाए हो तो आप मेरे को निकाल के 2 मिनट बता दो बस, और अगर नहीं लाए अगली क्लास में लेके आना, मोबाइल मेरी क्लास में कैलकुलेशन के लिए अलाउड नहीं होता, क्योंकि पेपर में अलाउड नहीं है तो यहां पर भी अलाउड नहीं है, जो पेपर में अलाउड है वही हम यहाँ पे अलाउड करेंगे, क्योंकि फिर आपकी स्पीड मोबाइल पे बन जाएगी, वहां जाके चलेगा नहीं। कितना आ रहा है 114 पॉइंट, और आप अगर जीएसटी बताओगे, बताओ जीएसटी कितना आ रहा है 5 पॉइंट। अब देखो बच्चा कह रहा है कितना फर्क पड़ा 29 पैसे का, ये सर बहुत बड़ा फर्क है, अभी प्राइस 120 रुपए है यार, अगर मान लो ये 5,00,000 रुपए होता तो नहीं यार, ये बात समझ यार,
अगर ये प्राइस 5 लाख होता, गेम छोटी मत खेलो ना, गेम बड़ी खेलो, करोड़ रुपए की गेम खेलो। अब आपको मैं ध्यान सुनना, अगर ये प्राइस 5 लाख होता, सारे बच्चे आंसर दे मेरे को, अगर ये छोला भटूरा 5 लाख रुपए का होता, तुम कैसे निकालते जीएसटी? मैंने कहा 5% जीएसटी निकाल लो, तो आप कहते 5 लाख का 5% 25,000 रुपए का जीएसटी, 4,75,000 रुपए के छोले भटूरे, इसमें क्या है? आप यही करते नॉर्मली, तो इंसान यही कर रहा है। और आधे लोग तो बिल इस चक्कर में ही किसी को बताते नहीं, क्योंकि उनका जीएसटी निकलता ही नहीं जो वो निकालते हैं, वो कहते बेइज्जती ना हो जाए, और वो भगवान से ये दुआ करते हैं कोई हमसे जीएसटी पूछना ले कैसे आया, वो पता क्या करते हैं, बिल उठाते ही मोड़ के गिर देते हैं, वो कहते हैं बिल का है, बिल वो जो डस्टबिन चला गया ना, क्योंकि वो पूछेगा नहीं डस्टबिन में हाथ कौन मारे, क्योंकि तुमने निकाल के देखने की कोशिश की थी वो निकला ही नहीं, तुमने सोचा 120 रुपए के छोले भटूरे 5% जीएसटी, 6 रुपए 3 रुपए सीजीएसटी, 3 रुपए एससीएससी, वो जो उसने लगाया वो मैच ही नहीं हो रहा, आपका दिमाग खराब है, फिर जीएसटी लगता कैसे? पर तो जीएसटी हम रहे हैं सर, वो इंक्लूसिव प्राइस है, मोस्टली इंक्लूसिव होता है। आप चेक करो, आप मार्केट से कोई भी सामान लेके आते हो, इंक्लूसिव टैक्सेस? नहीं, मैं बताता हूँ आपको बताता हूँ। अगर मान लो, ध्यान सुना मेरी बात को, अगर मान लो उसने बोला दाल मखनी 300 रुपए की है, दाल मखनी 300 रुपए की, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने नाम सुना बारबेक्यू नेशन, नाम सुना बारबेक्यू नेशन, वो बफे बुफे जो होते हैं वो देते हैं, 700 रुपए की प्लेट होती है उनकी, वो दो रेट बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं, 630 रुपए प्लस में जीएसटी, या तो वैसे बोलते हैं या वो बोलते हैं 700 रुपए की प्लेट पड़ेगी। अब कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात तय की है, अगर वो 630 रुपए की प्लेट बोल रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी लगा तो 700 ही आएगा, और अगर वो 700 रुपए की बोल रहे हैं, अगर रिवर्स कैलकुलेशन करोगे 630 रुपए आ जाएगा। आर आप मार्केट में कोई भी सामान ले, आप ब्रेड का पैकेट लेकर आए 40 रुपए का, क्या उसमें इंक्लूसिव वोल टैक्सेस नहीं होता? होता है ना सर, तो आप कोई भी नॉर्मली सामान लेने जाते हो ना, उसमें इंक्लूसिव वोल्ट टैक्सेस होते हैं, तो हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी होती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब ध्यान सुना मेरी बात को, 5 लाख का मान लो छोले भटूरे, 5% जीएसटी, आप 25,000 निकालते, आप ऐसे निकालते, बट अब करो, अगर ये इंक्लूसिव जीएसटी है तो ये क्या 100% के बराबर है? 105, तो मल्टीप्लाई 100, अब एक बार बताना मेरे को कितना आएगा ये, 4,76,000 190 बोल दूं, और अब इसमें से 5 लाख में से माइनस करना कितना आएगा, तो अप्रोक्सीमेट अगर आप चेक करोगे मेरे ख्याल से 23,000 कुछ आए, 8,89,809। अब बहुत ध्यान सुनना, जो मैं मेन बताना चाह रहा हूं ध्यान सुनना, आपने 25,000 रुपए का जीएसटी निकाला था और कितना है, 23,800 रुपए का है, क्या फर्क नहीं पड़ रहा? इससे बड़ी कैलकुलेशन करोगे और फर्क पड़ेगा सर, बहुत लंबा चौड़ा फर्क पड़ जाएगा जिस तरह से आप निकाल रहे हो, तो इसलिए कह रहा हूं जीएसटी की सही कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए। अब सुनो आपने करना क्या है, अब मैंने कहा ना कोई हम चैप्टर नहीं कर रहे, बट बेस क्लियर कर रहा हूं कि जीएसटी में पढ़ना क्या। आज के बाद कहीं भी खाना खाने जाओ, उससे एक चीज पूछ लो, वो बोलेगा ना 100 रुपए का, उसने बोल देना कि भाई इस 100 में जीएसटी इंक्लूड है या नहीं है, उसने बोला है, तो सिंपल रिवर्स कैलकुलेशन, रिवर्स कैसे रिवर्स कैलकुलेशन, उसने बोला जीएसटी 12% है इस पे, तो पता क्या करोगे, जो उसने समान प्राइस बोला 100 / 112 / 100, आप चेक कर लेना आपका मैच कर जाएगा, इतनी खुशी होगी ना आपको कि भाई सब जीएसटी निकालना आ गया मुझे। सर लोग घर में एसी लेके आते हैं, आप में से कोई कभी एसी लेने गया मार्केट में? कभी भी लेने जाओ या पापा से पूछना, वो क्या बोलते हैं, एसी ये ओ जनरल का 50,000 रुपए का, यही बोलते हैं, यही बोलते हैं। अब वो कभी 50,000 के ऊपर जीएसटी नहीं लगाते, उसके बिल में चेक करना 50,000 में जीएसटी अलग लगा होता है, मतलब उसके अंदर ही जीएसटी होता है। एसी एक्चुअल में होता है 36,000 रुपए का, फिर जीएसटी, फिर लास्ट में लिखा होता है 50 जो आपने पे किए हैं। अब बताओ अगर आप 50 पे वो जीएसटी लगाने की कोशिश करोगे, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आप 50 के ऊपर लगा रहे हो जबकि 50 में ही जीएसटी इंक्लूड है, तो वो रिवर्स कैलकुलेशन करोगे तो निकल जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? पक्का पक्का, बाकी हम आगे रखे बहुत डिटेल में इसको करेंगे, बट आज मैंने इसलिए बता दिया कि आज के बाद अगर कोई बिल तुम्हारे पास आए तो घबराना मत कि भाई ये जीएसटी कैसे लगा हुआ है, वो रिवर्स कैलकुलेशन करोगे आपको भी खुशी मिलेगी कि हमें जीएसटी निकालना आता है, सिंपल है। चलो अब मैं एक पॉइंट पे और था जी, सर Y105, आप बताओ Y105
बताओ भाई 105, 100 रुपए तो कोष मान लो, जीएसटी का रेट कितना है 5, तो 105 ही तो हो गया ना, कोष प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस ना, तो जो भी जीएसटी का रेट है वो जोड़ दोगे उसके काट। अब मेरे को बताओ आपके बिल में क्या लगा हुआ था, एक तो आपने बोला सीजीएसटी लगा हुआ था, एक क्या बोला एसजीएसटी, और एक आपने एक और बोला क्या लगा था सर्विस चार्ज। अब सर्विस चार्ज की कहानी सुनो, अब सुनो इसकी कहानी, पहले मेरे को ये बताओ आप में से किस किस बच्चे ने कभी सर्विस चार्ज लगा हुआ देखा है, ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चों ने देखा, जिसने नहीं देखा मैं बता दूं लगता है रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने जाते हो नॉर्मली सर्विस चार्ज बिल में लगा होता है। अच्छा ये बताना सर्विस चार्ज क्या देना जरूरी है, यस या नो? आंसर इज नो, बट आप लोग आज कह रहे हो नो, बट आप लोगों ने बहुत बार दिया है, मैं वही कह रहा हूं ना, मैं ये तो कह रहा हूं पढ़े लिखे है, मैं आपको अभी कहानी सुनाऊंगा, मेरे जीआई जीजा जी समझ गए ना, जीजा जीजा क्या होता है समझ जाओ, जीजे का कुछ नहीं चलता, पहला फोन जीजे को जाता है, जब भी घर में कुछ होता है कोई भी ओकेजन होता है ना, मम्मी कहते बेटे पहले जीजा जी को फोन कर ले, बेटे जीजा जी नाराज हो गए, जीजा और फूफा ये दो परिवार में लोग ऐसे होते जिन्होंने दिमाग खराब कर रखा है, मैं भी हूं जीजा, मैं भी अपने साले को, बट मैं ऐसा नहीं हूं, मतलब ठीक है यार जीजा ठीक है, बट पता नहीं क्या स्टार्टिंग से दिमाग में एक इमेज बनी हुई है ना कि जैसे ही घर में जीजा जी आ गए मम्मी को पता नहीं एकदम मम्मी चेंज हो, हमें पानी कुछ नहीं पूछती जीजा जी, अब बोले आओ जी, मैं मम्मी हमें तो कहती है भाग यहां से, जीजा जी को भाई साहब बिठाया जा रहा है पूरा। चलो सुनो वापिस आओ जी, तो अब क्या हुआ आपको मैं सर्विस चार्ज की बात कर रहा हूं, तो सर्विस चार्ज अब पहली बात सुन लो, सर्विस चार्ज मैंडेटरी नहीं है बट फिर भी हम सर्विस चार्ज देते हैं, उसका रीजन क्या है लोगों से पूछो सर्विस चार्ज क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई, सर्विस चार्ज है तो ये सर्विस टैक्स है, तो पहली बात ये कोई भी टैक्स नहीं है, ये बात दिमाग में सेट कर लो अच्छे तरीके से, सर्विस चार्ज इज नॉट ए टैक्स, इसका एक रुपया भी गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, ये किसी एक्ट में नहीं लिखा हुआ, मैंने कल भी लक्ष्मी नगर में डेफिनेशन बताई थी टैक्स की, मैंने कहा ऐसा कोई भी फी ऐसी कोई भी चार्ज जो पे करना कंपलसरी है किसी एक्ट के बेस पर वो टैक्स है, सर्विस चार्ज का कोई एक्ट ही नहीं है फिर भी पे कर रहे हैं लोग कंपलसरी पे कर रहे हैं, तो पहली बात तो वो एक टैक्स नहीं है सर, फिर इसको जाता किसको है, ये उन जो एम्प्लॉइज वहां पे काम कर रहे हैं जो स्टाफ वहां पे काम कर रहे हैं उनकी टिप है ये, और कई लोग मैंने कहा ना कई लोग पढ़े लिखे अनपढ़ कैसे होते हैं उनको पता नहीं तो सर्विस चार्ज के बारे में, सर्विस चार्ज भी दे रहे हैं ऊपर टिप भी दे रहे हैं, वेटर बड़ा खुश होता है, वेटर कहता है सर आप डेली यहां पे आओगे क्योंकि हमें तो ऐसे लोग चाहिए, भाई तूने 3,000 रुपए का खाना खाया 10% सर्विस चार्ज 300 रुपए तूने वो दिए और 200 तो टिप दे रहा 500 रुपए की टिप दे रहा तू, बट उसको ये नहीं पता उसको ये लग रहा है उसने 200 की टिप दी है, भाई 300 भी तू टिप दे चुका है, तो पहली बात तो समझो कि अगर आप सर्विस चार्ज बिल में दे चुके हो भूल के भी टिप देने का मतलब नहीं बनता क्योंकि वो टिप ही है, तो ये प्रैक्टिकल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को पता नहीं होता, तो सर्विस चार्ज और मैंने आज से सर्विस चार्ज पे नहीं किया अपने इतिहास में, और पहली बार मैंने अभी पे किया हमारी एनिवर्सरी थी मतलब कुछ दिन पहले अभी, तो मैंने पहली बार पे किया बारबेक्यू नेशन में, बारबेक्यू नेशन में हम गए 8 लोग थे, और मैंने क्यों पे किया उसका रीजन है, अच्छा सर्विस चार्ज के रेट भी अलग अलग होते हैं, कोई 2% लगा रहा है, कोई 5% लगा रहा है, कोई 10% लगा रहा है, 5 स्टार के अंदर 20-20% लग रहा है जी, दाल मखनी वहां पर 800 रुपए की है 5 स्टार के अंदर, अब दाल मखनी बिल बनता वहां पर भाई एक आदमी खाना खा ले 5 स्टार के अंदर बिल बनता 2-3 हजार रुपए का, अब 3,000 रुपए का बिल बन गया 20% सर्विस चार्ज 600 रुपए तो मैं टिप दे के आ रहा हूं, और अगर 5 लोग खाना खाने गए बर्बाद हो क्या गए वहां, तो वेटर भाई साहब नाच रहे भंगड़े अंदर उनके डीजे चल रहे क्योंकि 20% सर्विस चार्ज है ना, 20% सर्विस चार्ज बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो मैं अभी बारबेक्यू नेशन में खाना खाने गया, इनको अच्छा किसी को पता तो होता नहीं मैं सी हूं, कैसे पता होगा यहां पे लिखा थोड़ा सी हूं या माथे में या तो लिख के जाऊं आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट ध्यान से बात करें मुझसे और मैं टैक्स भी पढ़ा रहा हूं या तो ऐसा हो, बट ऐसा तो मैं लिख के जान सकता। अब मैं चला गया बारबेक्यू नेशन में और बारबेक्यू नेशन में हमने 8 लोगों ने खाना खा लिया, 8 लोगों ने खाना खा लिया और बिल मंगाया मैंने, जैसे ही बिल मंगाया उसमें इन्होंने 5% सर्विस चार्ज लगा रखा था, बिल मेरी वाइफ ने पकड़ लिया, तो मेरी वाइफ ने पकड़ा मैं का बिल दिखाइए एक मिनट, तो कह रही क्यों क्लास में दिखाओगे क्या,
क्योंकि मैं नॉर्मली क्लास में बिल दिखाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ तो यहीं से पता लगेगी ना आपको। और मैंने कल भी एक बिल दिखाया था लक्ष्मी नगर के अंदर, जिसमें पता नहीं किसने मुर्गा मुर्गा खाया था, पता नहीं एक बिल था मैंने गूगल से उठाया था, वहां पे मुर्गा मुर्गा पता नहीं उसने क्या खाया था, उसमें सर्विस चार्ज लगा हुआ था। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला बिल दिखाइयो, कह रही नहीं नहीं भाई वो क्लास में दिखाओगे। मैं कहा नहीं नहीं क्लास में नहीं, बस ये चेक करना है सर्विस चार्ज लगाया नहीं लगाया। अच्छा लगाया हुआ था, मैं कहा बिल दे, पेमेंट की नहीं थी अभी। बिल लेके चला गया मैं उस काउंटर पे, मैं कह रही सर्विस चार्ज लगा हुआ है इसको हटा दो, कह रहा कंपल्सन है लगेगा। मैं कहा क्यों लगेगा भैया, सर्विस चार्ज आप हटा दो। कह रहा नहीं लगेगा। मैं कहा या तो आप आराम से हटा दो या मैं बताऊं कि मैं हूं कौन। भाई सिंपल सी बात है, मैं भी तो सीए हूं सर, हमें सिखा रहे हो आप यार, हम 10 साल से टैक्सी पढ़ा रहे हैं। तो मैं कहा सिंपल, मैं कहा सर ये हटा दो। अच्छा फिर क्या हुआ, उसका मैनेजर आ गया, कह रहा क्या हो गया। मैं कहा सर सर्विस चार्ज ये कह रहे कंपल्शन है। कह रहे नहीं नहीं कंपल्शन नहीं है, सॉरी सर इनको पता नहीं था, आप बोलो लगाए या ना लगाए। मैं कहा मेरे को दिक्कत लगाने में नहीं है, जो लगा हुआ 5% लगा हुआ है इतनी मैं टिप भी देता, बट ये नहीं कह सकते कि तुम कंपल्शन है, दू मैं अपनी मर्जी से दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ भाई इतनी टिप को देनी है, लगा इतना हुआ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ये बार बार कहना कि कंपल्सरी है वो गलत है। कह रहा नहीं सर वो आप अभी कहोगे अभी सर्विस चार्ज हट जाएगा, आप टिप मत देना सर, बट ये ना वेटर की जेब में जाता है। तो वेटर इतना काम करते हैं, उनको थोड़ा बस सैलरी उनकी सैलरी में जुड़ के आता है, अब आप बताओ जोड़े ना जोड़े। मैं कहा जोड़ दो कोई बात नहीं। मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में सर्विस चार्ज पे किया, मैंने आज तक कभी पे नहीं किया। इवन मेरे को याद है एक इंदिरापुरम में मैं रहता हूँ, इंदिरापुरम में इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर है। आजकल तो होटल वाले और तेज हो गए हैं, ये होटल के बाहर ही बड़े ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा, क्योंकि अंदर लड़ाई होती है, अंदर लड़ाई होती है। और फिर लड़ाई पता क्या, लड़ाई से क्या होता है, बाकी जो लोग खाना खा रहे हैं उनके दिमाग में आता, अच्छा ये जरूरी नहीं है देना तो हम भी क्यों दे, सारे कस्टमर के खराब होते हैं। इन्होंने आजकल बाहर ही लिखना स्टार्ट कर दिया, तो इंदिरापुर हैबिटेट सेंटर में बाहर लिखा हुआ था, हमने खड़े होके देखा। आप देखते हो कई बार ब्लैक बोर्ड मतलब बोर्ड पे लिखा होता है आज की स्पेशल डिश क्या है, कई बार रेस्टोरेंट के बाहर लिखा होता है। तो हम खड़े होके देख रहे थे, बाहर एक बंदा खड़ा था पूरा कोट वोट में, तो मैं और मेरी वाइफ आगे निकले, तो उसने बोला सर आइए ना क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है ना, सर आइए ना आइए अंदर आइए। मैं कहा नहीं आएंगे। कह रहा क्यों सर, मैं कहा सर्विस चार्ज लगा रहे हो। कह रहा सर्विस चार्ज तो लगता है, मैं कहा इसलिए तो नहीं आएंगे। मैं कहा हटाओगे तो बोलो। अंदर गया बात कर गया, कह रहा सर प्लीज आप ना वहां काउंटर पे रखे बोल देना सर्विस चार्ज हटाने को, हटा देंगे, जोर से मत बोलना क्योंकि अंदर रेस्टोरेंट भरा पड़ा है ना और उसमें से पढ़े लिखे अनपढ़ बैठे हैं, वो सर्विस चार्ज भी देंगे और टिप भी देंगे, ये रियलिटी चल रही है सर। अब उसमें वही मैंने अपने बिल में सर्विस चार्ज नहीं लगवाया, टिप जो मेरे को 500 रुपए देनी थी वो मैंने दे दीजिए। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि आपको पता हो कि बिल में लग क्या रहा है। सर बिलीव में आप एक बार अगर सर्विस चार्ज हटा दोगे ना, आपके पापा पता क्या बोलेंगे उस दिन, बेटे मजा आ गया तो टैक्स पड़ रहा है। सही बता रहा हूं, ये उनको बोलेंगे भाई साहब तूने 100 रुपए उनके बचा लिए, वो आपको मे बी 200 रुपए टिप आपको दे दे, बेटे 200 रुपए टिप ले आज तू तू वेटर बन, आज 100 रुपए आपने बचा लिए ना, ऐसा हो सकता है। उनको खुशी इस बात की होगी कि कुछ पढ़ के आ रहा है तू। मेरे जीआई ने जिंदगी में पहली बार में थैंक यू का मैसेज किया, क्योंकि हम उनके बैठे पर गए थे करगनुमा में एक रेस्टोरेंट है। अब जीआई के सामने बोले कौन, खाना पीना खा लिया, बिल आ गया, मैंने कहा बिल दिखा दो मेरे को। अच्छा उनको लगा बिल किस लिए मांग रहे कि पैसे पूछे ना पे कर दे, जबकि मेरे मन में था ही नहीं पैसे पे करने का, मैं क्यों पे करूं भाई, बर्थडे तुम्हारा तुम पे करो यार, जीजा जी होंगे अपने घर में होंगे। ठीक है जी, कह रहे नहीं 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 मैं पे करूंगा। मैं कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, जाइए मैं पे कर दूंगा, मैं पे करूं। कह रहे नहीं नहीं मैं पे करूंगा। मैंने बिल में देख लिया सर्विस चार्ज है, मैं बोलने लगा उनके सामने बोले कौन, उन्होंने पे कर दिया। मैंने दिव्या को बोला, मेरी सिस्टर को, मैं कहा दिव्या बुरा मत मानियो, मैं अपनी क्लास में ना पढ़े लिखे अनपढ़ कहता हूँ। मैं कहा ये है देख, मैं कहा सर्विस चार्ज लगा हुआ है, 200 रुपए की टिप भी देकर आ गए। मैंने जी को बोला, मैं कहा जी ये आपने जो सर्विस चार्ज टिप दिया ना ये गलत है। कह रहे क्यों टिप ही तो दिया भाई यार, इतने लोग खाना खा के गए हैं टिप देंगे। मैं कहा सर्विस चार्ज भी टिप होती है, उनको नहीं पता था। और अभी वो एयरपोर्ट पे खाना खा के मेरे पास अभी भी बिल पड़ा है, उन्होंने थैंक यू का मैसेज बोला कि विवेक पहला बिल और दूसरा बिल, दूसरे बिल में सर्विस चार्ज नहीं था उनके। तो ये अब जब प्रैक्टिकल लाइफ उन्होंने जी है तो उनको मजा आ गया ना, चाहे बचे 100 रुपए, बड़े कॉन्फिडेंस होता है यार हमने कुछ बोला और उसने हटाया। और वो हटी क्यों रहा है, क्योंकि सर्विस चार्ज इज नोटेड टैक्स। तुम उसको बोल दो जीएसटी हटा दे, तुझे बाहर निकाल देगा वो, बोलेगा जीएसटी तो कंपल्सरी है, जीएसटी तो गवर्नमेंट की तरफ से है। वो कभी ये नहीं कह सकता सर्विस चार्ज गवर्नमेंट ले रही है, और अगर बोल रहा है कंप्लेन करो उसकी।
दिखा भाई कौन से एक्ट में है, किस गवर्नमेंट ने ले रहा है, पागल हमें बना रहा है क्या तू? तुम भी सीएस कर रहे हैं? ऐसे कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो एक बात ध्यान देना कि आपके बिल में सर्विस चार्ज अगर लगा हो तो आप उसको हटा सकते हो। तो मुझे फटाफट से बता दो जी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सर्विस चार्ज अगर ये लगा, ये मैंडेटरी नहीं है बट ये दोनों कंपलसरी है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? यहां तक बिल्कुल क्लियर है? पक्का पक्का जी। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक बार ऐसा करो, कॉपी लाओ। चलो एक बार कॉपी खोलो, खोलो एक बार, एक दो पॉइंट आपको लिखवाता हूं। पर अगर वो लोग कंपल्शन लगाएं तो उनको बता दो तुम कौन हो। ऐसे कोई कंपल्शन नहीं लगा सकता सर। ये सर्विस चार्ज पे करने के लिए रेस्टोरेंट वाले कंपेल नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते जी। कुछ रेस्टोरेंट सर्विस टैक्स लगाते हैं, वो तो बिल्कुल ही गलत है। सर्विस टैक्स तो कोई लगा ही नहीं सकता जी, ठीक है जी। चलो अब यहां पे एक बार फटाफट से आ जाओ जी। तो पहले तो नई नई कॉपी होगी आज आपकी, और अगर कोई नई कॉपी नहीं लाया तो नेक्स्ट क्लास से आपको लेके आनी है, क्योंकि हम क्लास में नोट्स भी बनाएंगे अच्छे से। और आपको मैं बता दूं, तीन बुक्स आपको मिलेंगी, और जिनका एडमिशन हो चुका है अभी वो क्लास के बाद भी ले सकते हैं। दो इनकम टैक्स की होंगे, एक जीएसटी होगा। अप्रोक्सीमेट 1300 प्लस पेज की बुक है। उसका रीजन है क्योंकि 1000 पेज का तो मॉड्यूल ही है, सबसे बड़ा मॉड्यूल आपके टैक्स का है, जितने भी पेपर है सबसे ज्यादा। ठीक है जी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको बहुत सुनने को मिलेगा कि टैक्स आपका कोर नहीं है, आपकी लाइन लो की है। बट आप ये ध्यान देना कि इंस्टीट्यूट ने अगर 1000 पेज दिया तो इंस्टीट्यूट पागल नहीं है। और उसने ग्रुप टू में टैक्स क्यों डाला, उसका रीजन है क्योंकि टैक्स दो पेपर के साथ ही संभल सकता है। अगर चार होते तो शायद कभी आप लाइफ में प्रोफेशनल में आते ही ना, क्योंकि चार टैक्स के साथ हैंडल करना बहुत मुश्किल है। और अब अगर सिक्योरिटी लॉ का मॉड्यूल देखोगे 550 पेज का होगा, इतने का ही है। ईवी सेल का देखोगे 500-600 का ही है, तो 1100 पेज और इक्वल टू टैक्स अकेला। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने बहुत सोच समझ के प्लान किया, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे टैक्स से डरते हैं, और अगर उसको डेप्थ में पढ़ाना है तो एक पेपर कम करना ही पड़ेगा। पहले आपको पता है न्यू सिलेबस कैसा था, पहले सेटिंग अप दूसरे में था, पहले में तीन थे और दूसरे में चार थे। न्यू सिलेबस अगर ऐसा पास हो जाता तो पता तुम पास, तो लोगों ने कहा भैया क्या कर दिया, सेटिंग अप भी इसमें, इसमें भी इसमें, और टैक्स का मॉड्यूल भी 1000 पेज का कह रहे हो, तो इसको पहले में डालो। फिर सेटिंग अप पहले में आया, तब ग्रुप टू में तीन पेपर बने, ठीक है। तो तीन बुक्स मिलेंगी और एक क्वेश्चन बैंक मैं आपको अलग से भी दूंगा, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करने के, तो वो आपको अलग से मिलेगा। जबकि क्वेश्चन बुक्स के अंदर भी है, बहुत सारे क्वेश्चन बुक के अंदर दिए हुए हैं, बट एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा, और ओल्ड सिलेबस वालों को ओल्ड का क्वेश्चन बैंक मिलेगा जी। ये बात क्लियर है? और बुक दोनों के लिए सेम एप्लीकेबल होंगी, तो बुक दोनों को सेम ही लेनी है, क्योंकि बुक नई वाली है, लेटेस्ट है, अपडेटेड है, तो बुक वही एप्लीकेबल होंगी। चलो अब एक बार ऐसा करो, पहले एक लाइन लिखो सबसे ऊपर बड़े बड़े शब्दों में, क्या लिखनी है आपने एक लाइन, माई पेरेंट्स हैं, अभी तो सर जीएसटी करा रहे थे, लिखो स्क्रीन को क्या हो गया, माई पेरेंट्स आर वेटिंग। आपको पेरेंट्स जगह किसी और का नाम लिखने लिख सकते हो, नहीं कई बार होता है ना, मेरा बाबू आर वेटिंग, ठीक है, तो आपकी मर्जी है, जैसे आपका मन करे। पेरेंट्स मैंने अपने लिए लिखा है, आपके लिए कुछ अलग भी हो सकता है जी, मतलब जिसके लिए भी आप करना चाहते हो उसका नाम लिख सकते हो। माई पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर मी, टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी। मेरे पेरेंट्स मेरी वेट कर रहे हैं मेरे सीएस बनने की। आप इस लाइन को बार बार पढ़ोगे, आपको सेल्फ मोटिवेशन अपने आप आएगा कि मुझे गलत डायरेक्शन में नहीं जाना। और कौन कौन दिल्ली के बाहर से है, एक और दो, और बाकी सब दिल्ली में ही रहते हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन जो दिल्ली के बाहर से है, लक्ष्मी नगर में काफी ज्यादा बच्चे होते हैं, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि दिल्ली में आप आए हो तो दिल्ली में दो तरह की हवा है, एक नॉर्मल हवा, एक रंगीन हवा है। तो कोशिश करना कि रंगीन हवा ना आपको छुए, क्योंकि अगर रंगीन हवा छू गई तो आप फिर हेलो पूजा बोल रही हूं, आप ऐसे भी हो सकते हो, ठीक है जी। तो उस हवा से दूर ही रहे तो अच्छा है आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों को आते पढ़ते हुए देखा है और जाते फिर, आप समझ सकते हो, ठीक है जी। तो पेरेंट्स का पैसा आपने वेस्ट नहीं करना, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। माई पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर मी टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी। अब यहाँ पे बड़ा बड़ा आप लिख दो जीएसटी, आपने अगर पहले लिखा है तो ठीक है, उसके नीचे हेडिंग डाल दो गुड्स एंड सर्विस
सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर अगर टिकट में सर्विस चार्ज है वो तो अलग है जी, वो तो आपको देना पड़ेगा। नॉर्मल रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब सबसे पहला पॉइंट यहां पे लिखो, पहला पॉइंट यहां पे लिखो, क्या होगा इसको, एक मिनट बाहर से बुलाना भैया को। एक सेकंड रुक जाओ बस। ये डिस्प्ले ना बार बार बंद हो रहा है, ये ना नहीं, ये देखो ब्लैक हो रही है बार बार। लाइव वाले बच्चे जो बैठे हैं इनको मेरी बातें समझ में आ रही हैं जी? फेस टू फेस वालों को आ रही हैं? चलो लाइव वाले बच्चे एक बार अगर आ रही हैं तो एक बार थम्स अप का बटन दबा दो फटाफट से जी। थम्स अप मतलब वो लाइक वाला, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सर प्लीज शो फेस ऑफ अभिषेक जी। अरे अभिषेक लक्ष्मी नगर में नालायक, अभी पटेल नगर में क्लास हो रही है। चलो आप ऐसा करो, एक मिनट रुको, ये एक बार एक बार स्क्रीन चला दो बस। तो कहीं मेरे को लग रहा है दोबारा रिस्टार्ट तो नहीं करना पड़ेगा। आप ऐसा करो, टैक्स लॉज पहले पेपर का नाम लिख लो, टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, मतलब पहले पॉइंट में टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस लिख लो। आ गई, चलो ठीक है, लिखो यहां पे। तो पहले पॉइंट में यहां पे लिख दो टैक्स, जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं वो सिर्फ टैक्स लॉज लिख देंगे, टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, ठीक है। न्यू सिलेबस के अंदर प्रैक्टिस वर्ड इन्होंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आपको चेक करनी होगी। जैसे मैंने अभी आपको बिल की बातें की ना, ये प्रैक्टिकली बातों को पता होनी चाहिए। ऐसे इनकम टैक्स में आप रिटर्न भरते हो तो रिटर्न के फॉर्म नंबर कौन कौन से होते हैं उसके नॉलेज आपको होनी चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस वर्ड इन्होंने यहाँ पे जोड़ा है। तो टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस में ना अभी यहाँ पे आप इसका ऐसे एरो बना के लिखो जी, आपके दो टैक्स, एक तो डायरेक्ट टैक्स है आपके सिलेबस में, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। सर जीएसटी की कॉपी कितने पेज की बनाया? पर उसमें 300 से 400 पेज का एक बुक हो, 300 पेज तो हो कम से कम, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स दैट इज 60 मार्क्स और आईडीटी जो है दैट इज 40 मार्क्स, ठीक है। ओल्ड वाले बच्चे अकॉर्डिंगली लिख लेंगे 50 प्लस नंबर। डायरेक्ट टैक्स में दो बाइफरकेशन आपको करनी है वैसे, एक तो इनकम टैक्स और देन यहां पर करना है जी आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये सिलेबस में नहीं है, यही आपके 60 नंबर का, ठीक है नी। उसके बाद फिर आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसमें दो केस बनाने हैं आपको, एक तो जीएसटी और एक कस्टम। 35 to 36 मार्क्स का आप ये कह सकते हो, 4 to 5 मार्क्स में आप कस्टम कह सकते हो। पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका, क्लियर है। एक बार थोड़ा सा अमेंडमेंट के बारे में भी लिखवा देता हूं कि कहां तक की अमेंडमेंट पढ़नी है, ताकि कोई अगर तुम्हें कंफ्यूज करे एक बार तुम पहला पेज खोल कर देख लेना बस, ठीक है। और अगर उस अमेंडमेंट की आपको वैलिडिटी चेक करनी हो कि एप्लीकेबल है या नहीं है, वो ये देख लेना अमेंडमेंट आई कब है। अगर इस दिन के बाद आई है फिर तो वो कंफ्यूजन वाली है, इस दिन से पहले आई है तो ऑलरेडी हम क्लास में कर चुके होंगे, फिर तुम्हें कंफ्यूज वैसे ही नहीं होना, ठीक है जी। तो लिखो सेकेंड पॉइंट, अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स एप्लीकेबिलिटी इन
जून एंड दिसंबर 24, मैं दोनों की बात करके चल रहा हूं जी। ठीक है जी, एक तरफ लिख लो जून 2024 और दिसंबर 24, लिखना है तो लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, मैं दिसंबर 24 उन बच्चों के लिए लिखवा रहा हूँ, क्योंकि कई बार बच्चे दिसंबर 24 में एग्जाम देने की सोचते हैं बहुत ग्रुप, तो कि हम दिसंबर में ही देंगे, तो उनके लिए भी साथ साथ लिखवा देता हूँ। अब अगर मान लो कि जून 24 में एग्जाम है, तो पहले यहां पे लिखो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आपका एप्लीकेबल होगा फाइनेंस एक्ट 2023, 2023 फाइनेंस एक्ट 2023, मतलब बजट 2023 में जो अमेंडमेंट आई होंगी वो आपके पेपर में आएंगी जून 24। लिख लो बड़े बड़े शब्दों में, जून 24, सॉरी जून 24 कह रहा हूं, बजट 24, बजट 2024, बजट 2024 नोट एप्लीकेबल, बड़े बड़े शब्दों में लिख लो, क्योंकि तुम्हें कंफ्यूज करने वाले बहुत मिलेंगे। तो बजट 24 जो आने वाला है वो जून 24 के एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, दिसंबर 24 के अंदर क्या वो बजट एप्लीकेबल हो जाएगा? नहीं होगा। आपको बार बार कह रहा हूं, जून और दिसंबर दोनों में सेम फाइनेंस एक्ट आता है, ये दिसंबर वाले बच्चों के लिए अच्छी बात होती है, पर जो दिसंबर में एग्जाम दे रहा होता है ना वो बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम के अंदर फंसा होता है। जिनके दिसंबर में एग्जाम है वो बड़े उसमें है कि कंफ्यूजन में है कि क्या करें, क्योंकि अगर पास हो गए अच्छी बात है, नहीं पास हुए फाइनेंस एक्ट चेंज हो गया, मतलब अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ जाएंगी सारी। तो जून दिसंबर दोनों में सेम फाइनेंस एक्ट आता है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा इंस्टीट्यूट कहता है। तो फाइनेंस एक्ट 2023 यहां पर आएगा, अगेन बजट 2024 यहां पर भी नोट एप्लीकेबल, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अब ये तो हो गया हमारा, अब बात करो जीएसटी और कस्टम की। जीएसटी और कस्टम के ऊपर भी सेम लिख लो, ये जो ऊपर लिखा है वही सेम यहां पे लिख लो। फाइनेंस एक्ट 23, ठीक है जी। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, अब एक बात मेरे को बताना, अमेंडमेंट जो आती है क्या वो फाइनेंस एक्ट से ही आती है? मतलब कहना चाह रहा हूं कि आपने कभी सुना कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी निकालती है? नोटिफिकेशन, सर्कुलर, क्लेरिफिकेशन, ये भी तो गवर्नमेंट निकालती है, तो अमेंडमेंट्स तो उससे भी आती है। ये तो मैंने बताया कि फाइनेंस एक्ट कौन सा आएगा, बट अगर मान लो कोई अमेंडमेंट नोटिफिकेशन से आ रही है तो वो आएगी नहीं आएगी, तो गवर्नमेंट कह रही वो आएगी, बट कहां तक की? जो नोटिफिकेशन 30 नवंबर तक आई है। तो अगर आपके एग्जाम जून 24 में है, लिखो इसके नीचे, यहां लिखो अमेंडमेंट थ्रू, अमेंडमेंट थ्रू नोटिफिकेशन, सर्कुलर एटसेट्रा इन इनकम टैक्स एंड जीएसटी एंड कस्टम। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है तो नजर मत लगाना, ठीक है जी। अमेंडमेंट थ्रू नोटिफिकेशन, सर्कुलर एटसेट्रा इन इनकम टैक्स और जीएसटी, अगर इसके थ्रू कोई अमेंडमेंट आ रही है तो वो हमें कहां तक की करनी है? तो लिखो नोटिफिकेशन या सर्कुलर, मान लो अप टू 30 नवंबर 2023, बस ठीक है, यहां तक की नोटिफिकेशन करनी है जो आ चुकी है। अब जो भी चेंज आने हैं वो जून के लिए तो नहीं आने, ठीक है जी, बट अगर आपके दिसंबर 24 में एग्जाम है तो नोटिफिकेशन या सर्कुलर अप टू कहां तक? 31 मई, 31 मई 2024। तो इनको 6 महीने की एडिशनल अमेंडमेंट पढ़नी पड़ेंगी, अभी मई आना है, तो दिसंबर में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनको कुछ अमेंडमेंट्स और पढ़नी पड़ सकती हैं जो नोटिफिकेशन से आएंगे, बाकी फाइनेंस एक्ट सेम है जी। तो ये बात तो होगी अमेंडमेंट्स की, अब यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो गया जी। आगे लिखो भी, यहां पे आगे लिखो तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में लिखो जी टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के
कौन कौन से टाइप्स हैं, तो पहला लिख लो आपका हो गया सीजीएसटी, दूसरा हो गया आपका एसजीएसटी, तीसरा हो गया आपका यूटीजीएसटी, और फोर्थ हो गया आपका आपका यहाँ पे आईजीएसटी। ठीक है, और एक ना जीएसटी कंपनसेशन सेसरी है, बट वो जीएसटी नहीं है, वो जीएसटी के साथ लगता है, वो कब लगता है मैं आपको बता दूंगा। तो जीएसटी जो है वो मेनली आपके चार तरह के ही है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, ये टाइप्स हो गए जीएसटी के। उसके बाद जी पॉइंट नंबर फोर, कॉम्बिनेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कॉम्बिनेशन कौन कौन से बनते हैं, मतलब किस किस तरह से तुम्हें बिल में जीएसटी देखने को मिल सकता है। तो कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा जी, पहला कॉम्बिनेशन तुम्हें मिल सकता है सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी, दूसरा कॉम्बिनेशन तुम्हें देखने को मिल सकता है सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी, तीसरा कॉम्बिनेशन तुम्हें देखने को मिल सकता है आईजीएसटी। ठीक है जी, ये कॉम्बिनेशन, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये तीन कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे जी। पॉइंट नंबर फाइव, पॉइंट नंबर फाइव, अब पॉइंट नंबर फाइव लिखो जी, आगे लिखो टैक्स, उस पर लिखो डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, दैट इज आर्टिकल, आर्टिकल 366 है इंडिया के संविधान का, 12A, आर्टिकल 366, 12A, इसमें जीएसटी की डेफिनेशन है, और बची हुई क्लास में बस हमें यही देखनी है। इसको लिख लो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट है जीएसटी की डेफिनेशन। अब पहले यहां पे लिखो जीएसटी की डेफिनेशन क्या है, जो हम जीएसटी स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले मैं ये तो बताओ कि जीएसटी की डेफिनेशन क्या है। इंडिया का संविधान ये बात कहता है जीएसटी क्या है, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है, लिखो जीएसटी इज ए टैक्स। पहली बात तो जीएसटी एक टैक्स है, बच्चे कह रहे इसमें कौन सी नई बात बोल दी आपने, ये तो पता ही हमें, नई बात है क्योंकि कस्टम जो है एक ड्यूटी है, एक्साइज एक ड्यूटी है, ये एक टैक्स है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी, पता होना चाहिए ना कि इसको हम ड्यूटी, हमने आज तक ऐसा क्यों नहीं सुना कि इसका नाम जीएसटी क्यों नहीं है, गुड्स एंड सर्विस ड्यूटी, इसका नाम जीएसटी क्यों है। तो पहला गवर्नमेंट ये बात कहना चाहिए कि जीएसटी जो है, जीएसटी इज ए टैक्स, ये टैक्स नहीं है, तो ये टैक्स है। अब आगे लिखो जीएसटी इज ए टैक्स विच इज, विच इज लेविड ऑन सप्लाई, विच इज लेविड ऑन सप्लाई। ठीक है जी, अभी सिर्फ लिख लो एक बार समझेंगे इसको, जीएसटी इज ए टैक्स विच इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ, ऑफ जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना, एक लाइन में ही लिखना, अलग अलग करके लिखना आपको, इसका हर बात का मतलब है ये ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास भी स्पेस है, मैं वहां लिख सकता था, मैंने ब्रेक क्यों किया उसका मतलब है। तो जीएसटी इज अ टैक्स विच इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जीएसटी इज अ टैक्स विच इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इसको छोड़कर, एक्सेप्ट दी, एक्सेप्ट दी सप्लाई ऑफ एल्कोहोलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एक्सेप्ट दी सप्लाई ऑफ एल्कोहोलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये जीएसटी की डेफिनेशन आपके सामने है जी। इसको जितना हो सके उतना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बस लिख लिख के पेज मत फाड़ देना। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बची हुई क्लास जो आज हमारी है वो इसी के ऊपर डिवोटेड है कि जीएसटी की डेफिनेशन क्या है। क्या चीज, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या है, हाँ पे ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन, एसटी का मतलब है ह्यूमन कंजम्पशन। चलो जी, अब एक बार सब बच्चों लिख लिया, अब पहले पांच पॉइंट आपको समझ में आ गए, सॉरी पहले चार पॉइंट आपको समझ में आ गए, अब पांचवा पॉइंट हम देख रहे हैं। एक बार सारे बच्चे बोल दो पांचवे पॉइंट की हेडिंग मैंने क्या लिखवाई है,
सारे बच्चे बोलो फटाफट से डेफिनेशन ऑफ, दोबारा बोलो डेफिनेशन ऑफ, डेफिनेशन ऑफ। ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज से हम जीएसटी स्टार्ट कर रहे हैं, आने वाले जो भी लेक्चर होंगे वो सारे के सारे मेरे जीएसटी के होंगे, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई जो हम जीएसटी पढ़ रहे हैं वो जीएसटी है क्या। और कमाल की बात सबसे बड़ी है, इंडिया के संविधान ने ही डिफाइन कर दिया जीएसटी का मतलब, और इंडिया के संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है, संविधान से बड़ा एक्ट भी नहीं है। जब संविधान में ये डेफिनेशन लिख दी कि जीएसटी का मतलब ये है, तो मतलब जीएसटी का मतलब ये है। सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे जी, एक बार फर्स्ट लाइन बोल दो क्या लिखे जीएसटी इज ए। अब जीएसटी क्या है, एक टैक्स है या ड्यूटी है? तो पहली बात तो टैक्स है, ये ड्यूटी नहीं है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी, उसके डिफरेंस मैं आपको लिख पाऊंगा कि टैक्स और ड्यूटी में क्या फर्क है। कस्टम को हम ड्यूटी को कहते हैं, एक्साइज के पीछे ड्यूटी वर्ड क्यों है, इनकम के पीछे इनकम टैक्स वर्ड क्यों है, और जीएसटी के पीछे टैक्स वर्ड क्यों है। तो पहली बार उसे क्लियर किया कि जीएसटी जो है वो एक टैक्स है। नेक्स्ट लाइन पढ़ना क्या लिखी है, विच इज लेविड ऑन सप्लाई, सबसे मेन लाइन ये है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब एक बात बताना, क्या जीएसटी सेल पर लगता है? नहीं लगता, सेल पर नहीं लगता। ये पूछ रहा हूं भाई, एसी वाले ने एसी बेचा, वो अपने बिल में जीएसटी लगाएगा नहीं लगाएगा? अरे सेल पर, ऐसे बच्चे कह रहे हैं नहीं लगता, लगता ही नहीं है सेल पर। नहीं, वो वर्ड तो सप्लाई लिखा है, मैं वैसे नॉर्मल बोल रहा हूं, एसी वाले ने तुम्हें एसी सेल किया, क्या उसके बिल पर जीएसटी लगा होगा? नहीं लगा होगा, लगा होगा। क्या जीएसटी सर्विस पर लगता है? मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूं, क्या इस सर्विस पर जीएसटी लगेगा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। क्या जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग पर लगता है? बिल्कुल लगता है, लगता है बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग पर। सर एक्साइज ड्यूटी अब खत्म हो चुकी है, एक्साइज खत्म हो चुकी है, जहां एक्साइज खत्म है वहां पर जीएसटी आ चुका है। जीएसटी एंटरटेनमेंट पर भी है, तो जीएसटी एंटरटेनमेंट पर भी है, जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग पर भी है, जीएसटी सेल पर भी है, जीएसटी सर्विस पर भी है, और जीएसटी एक्सचेंज पर भी है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आपने कहा सर जीएसटी सेल पर लगता है, आपने कहा जीएसटी सर्विस पर लगता है, बट टेक्निकली ये गलत है। हां जीएसटी सेल पर लगता है, अब बहुत काम की लाइन बोलूंगा, अप्रिशिएट करना। हां जीएसटी सेल पर लगता है, बट वो इसलिए नहीं लगता कि वो सेल है, वो इसलिए लगता है कि सेल सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होती है। जीएसटी तो सिर्फ सप्लाई पर है, उसे क्लियरली बोल रखा है लेविड ऑन सप्लाई, अगर कोई भी काम सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होगा तो जीएसटी लगेगा, नहीं तो जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी सर्विस पर लगता है, बिल्कुल लगता है, बट इसलिए नहीं कि वो सर्विस है, सर्विस सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होती होगी तो इसलिए सर्विस पे लग जाता है। जीएसटी एंटरटेनमेंट पर है, वो इसलिए नहीं है कि वो हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, वो इसलिए कवर होता होगा क्योंकि एंटरटेनमेंट सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होती होगी। तो मेरे ख्याल से मेरी क्लास का हर बच्चा है वो लाइव वाला हो फेस टू फेस वाला हो, एक बार समझ गया होगा सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सप्लाई में क्या आता है। क्योंकि आज अगर मान लो सप्लाई की डेफिनेशन से सेल को हटा दिया जाए तो सेल पर नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा ही नहीं लेविड ऑन सेल, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं लेविड ऑन सर्विस। तो जो तुम बाहर कहते हो जीएसटी सेल पर है, टेक्निकली तुम गलत कह रहे हो। ये तो शुक्र आप तुम्हारे पेपर न्यू सिलेबस में डिस्क्रिप्टिव हो गए, ओल्ड सिलेबस के अंदर स्टार्टिंग में कई बार क्वेश्चन बन गया था, क्या क्वेश्चन बन गया था कि जीएसटी लेविड ऑन सेल सर्विस मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया टिक कौन सा करूं, क्योंकि सेल पर भी उसने देखा है, सर्विस पर भी देखा है, फिर पता क्या बोलता है, इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन गलत बना दिया, एक ग्रेस नंबर पक्का। प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि भैया जीएसटी सिर्फ सप्लाई पर है, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड सप्लाई दिया हुआ है, जो ऊपर वाले तीन आइटम है वो सप्लाई में कवर होती है, इसलिए उन पे जीएसटी लग जाता है, नहीं तो उनके खुद का इंडिविजुअल कुछ अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि सेल को हम अलग से चेक नहीं करते। अगर सेल सप्लाई में आ रही है तो सेल पर जीएसटी लगाना है, नहीं तो हमें जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है जी, आपको मैं बता दूं ये सबसे बड़ा चैप्टर हमारा जीएसटी के अंदर बनने वाला है, इसके अंदर बहुत लेक्चर हमारे कम से कम 4 से 5 लेक्चर लगते हैं, और ये पूरे जीएसटी की बैकबोन है कि सप्लाई क्या होता है, ये डिफाइन है, सेक्शन नंबर 7 है हमारा जीएसटी का, उसमें डिफाइन है कि सप्लाई का मतलब क्या है। मैं थोड़ा सा और आपको आगे लेके जाना चाहता हूं, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, एक बात मेरे को बताना जी, सारे बच्चे सोच समझ के बताना,
आपको मैं फील करवा दूंगा कि आपने आज तक जो मार्केट में डील किया या जो भी आपने काम किया आपने बिना सोचे समझे किया। एक बात मेरे को बताना, आपके घर में एसी लगा हुआ है? किस किस के घर में एसी लगा हुआ है? चलो ऑलमोस्ट सबके घर में। अरे किस किस के घर में टीवी है? टीवी, चलो टीवी तो आई थिंक सबके घर में होगा। बच्चा हैंड रेस नहीं कर रहा, नहीं है? नहीं लैप कुछ घर में टीवी, मान लो कूलर, कूलर कूलर है, कूलर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मान लो टीवी है, कूलर एसी है, अब जिनके घर में भी एसी या कूलर या टीवी है, एक बात बताना। अच्छा जो तुम एसी मार्केट से लेकर आए होंगे तो एसी तुम्हें ऐसा ही मिल गया होगा साथ में, या एसी को चलाने का रिमोट विमोट भी मिला होगा? मिला है या रिमोट तुमने अलग से परचेज किया? अच्छा साथ ही था, मतलब मैं कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को उन्होंने साथ दिया था, फिर आपने अलग ना लिया। अच्छा मतलब आपको भी साथ मिला था। चलो तो मार्केट से आप एलईडी या टीवी लेके आते हो तो आपको रिमोट देते हैं साथ। अच्छा एक बात मेरे को बताना, अब एसी और एसी का रिमोट, मेरा रिमोट गुम हो गया, क्या मार्केट से नया रिमोट मिल सकता है? क्या एसी अब खराब चेंज करना पड़ जाएगा? क्या नया रिमोट मिल जाएगा? मिल जाएगा ना, कोई इसमें कोई नई बात तो नहीं बोल रहा ना, बिल्कुल बेसिक बात बोल रहा हूं। आप सुनो ध्यान से, उसने कहा एसी 50,000 रुपए का है, क्या उस 50,000 में रिमोट का प्राइस भी है या नहीं है? यस या नो? बट एसी पर जीएसटी का रेट 18% है, रिमोट पर 12% है, दोनों के रेट अलग अलग हो सकते हैं, दो गुड्स है ना वो, तो उस 50,000 पे जीएसटी कौन सा लगेगा, 18 या 12? बच्चा कह रहा है 18। मैंने कहा क्यों सर, एसी मेन है, रिमोट के बिना ऐसे काम ही नहीं करेगा, लगा लो एसी, फूक मारते रहो चल हुई हुई। वो कहेगा मैं नहीं, कुछ ला तो सही, कुछ तो ला भाई जो मेरे को चलाने के लिए होगा। फिर बच्चा कह रहा सर 12 रिमोट, अब अगर रिमोट चेक करें रिमोट तो होगा ही 400-500 का बस, प्रिंसिपल तो एसी है, तो कंफ्यूजन आ गई ना। क्या कंफ्यूजन दिमाग में आ रही है नहीं आ रही? यही तो हमें सोल्व करनी है जीएसटी में। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, एक बात मैं बताओ, आप में से किस किस के घर में कभी शादी वादी हुई है, चाचा मामा किसी की भी आप गए हो? चलो अच्छा आपने कभी देखा है कि शादी पे ना एक टोकरा बनता है, कभी देखना जब जब रोका होता है, जब रोका समझ गए ना, लड़की हमारी हुई लड़का तुम्हारा हुआ, रोक लेते हैं उसको, रोके का मतलब पंजाबियों में होता है रोका, तो वैसे खास तौर पे तो रोका होता है, फिर एंगेजमेंट होती है, फिर अपना शादी होती है, फिर आजकल तो माहौल चल रहा है विल यू मैरी मी, अब ये जीडी सर की शादी होने वाली है, मतलब आपको जीडी सर अभी आपको ईबीसीएल पढ़ाएंगे, उनकी शादी होने वाली है। जीडी सर की वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे, उन्होंने प्रपोज बहुत अच्छे से किया था, देखी थी ना, उन्होंने जैसे एयरपोर्ट पहुंचे गुब्बारे लेकर विल यू मैरी मी, ओ माय गॉड, उसने कहा यस। तो मतलब आजकल थोड़ा सा एक अलग ट्रेंड चल रहा है। तो अब सुनो ध्यान से मैं कहने का चाह रहा हूं, तो क्वेश्चन मेरे ये निकल के आ रहा है कि क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, हाँ शादी पे टोकरा बनता है, तो शादी पे टोकरा बनता है कभी भी जाना, रोका जब हो रहा था या मिलनी जो भी शादी हो रही है, लड़की वाले अपना सामान इधर रखते हैं, नॉर्मल लड़के वाले इधर रखते हैं, मतलब इधर उधर जो भी समझ जाओ अलग अलग होता है। आज कल तो भाई साहब मैंने एक शादी ऐसी देखी, अभी मैं गया, जो ज्वेलरी दी जा रही है वो भी शौकी जा रही है, सर प्रॉपर एक डंडे में ऐसे करके यहाँ पे ज्वेलरी टांगी हुई थी कि ये हमने लड़की को दिया है, लड़की वालों का अच्छा तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम ये भी हमने तुम्हें को दिया है, मतलब शौक का जमाना है ना कि हमने किसको क्या दिया, ये शो होना चाहिए भाई, ये जमाना है। अब एक बात बताना, शादी का टोकरा बनता है, उस शादी के टोकरे में मेरे ख्याल से सारे सेब ही होते हैं, नहीं मतलब क्या क्या होता है, क्या डिफरेंट डिफरेंट निकलवाना चाह रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं, और साथ में आप कई बार देखोगे एप्पी फीस भी बीच में घुसा देते हैं, चॉकलेट्स भी, आजकल चॉकलेट का जमाना है, आजकल तो वो क्या चल रहा है लाहौरी जीरा, इधर वो भी घुस जाते हैं बीच में, और सबसे मेन इंपॉर्टेंस होती है बीच में रखे हुए पाइन एप्पल की, जिसको कोई खाता नहीं है बट उसको ऐसे करके बांधना है क्योंकि टोकरा बनेगा नहीं उसके बिना, आप चाहे उसके 4-5 बाल बाहर आ रहे हैं, देखा आपने कभी, और पाइन एप्पल का रोल ही बस ये होता है टोकरे को बांधना, खाता तो कोई भी नहीं है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आप टोकरा बनवाने के लिए गए, आपने बोला ये संतरा डाल दे भाई, सेब डाल या आम डाल, इसमें ये अपना बेटे ही कैसे कर, दो चिप्स के पैकेट लेके आ, चिप्स के पैकेट डाल बेटे, एप्पी फीस लेके एप्पी फीस डाल बेटे, तेरे जीजाजी को चॉकलेट बहुत पसंद है, 3 चॉकलेट घुसा इसमें बेटे, वो छोटू रहता है ना उसको ये इसका टोए भी बीच टोए छोटा मोटा खिलौना बीच में घुसा देते हैं, मतलब सारा घुसा के टोकरा हो गया जी, उसने बोला ये टोकरा बनेगा जी आपका 20,000 रुपये का, ऐसा होता है?
20,000 में एक आइटम मल्टीपल, रेट कौन सा लगेगा? हाईएस्ट। क्यों? रेट तो सबके अलग अलग है। कोई चॉकलेट 28% वाली है तो एप्पल जो है 5% वाला है, 12% वाला है तो मतलब कोई दूसरा गुड्स 18% वाला है। आप समझ पा रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो अगर ये मल्टीपल सप्लाई है तो उस पर जीएसटी का रेट एप्लीकेबल क्या होगा? यही सारी बातें मैं सप्लाई के चैप्टर में देख रही हूं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सप्लाई का मीनिंग क्या है। अब एक और एग्जांपल और देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप मेरे को एक बात बताना, अगला मेरा एग्जांपल ये है, जैसे मोमोज किस किसने खाए हैं? अरे बच्चा कह रहा है मोमोज इज माई लव, खाए सबने? अरे मोमोज किस किस को अच्छे लगते हैं? ओ माय गॉड, बच्चों के चेहरे पे नूर, मोमोज और मैं, बस मोमोज सर एक इमोशन है। आप कभी लक्ष्मी नगर में गए हो? कैसे लक्ष्मी नगर में? सर लक्ष्मी नगर में लोग मोमोज के बहुत फैन है। हाँ देखो मैं कह रहा हूं, इन्होंने चप्पा चप्पा छान रखा है। एक दुकानदार ने तो अनलिमिटेड मोमोज कर रखे हैं। कितने? 99 में खा लो और मैदा जमा लो अंदर, और लोग दबा दब खा रहे हैं भाई साहब। मोमोज ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया भैया, थोड़ी सी लाल चटनी और डालना भैया। अच्छा कई लोग चटनी भी ऐसे खाते हैं जैसे भाजी खा रहे हैं, वो बेचारा चटनी डालता है कि चार मोमोज खत्म हो जाएगी। बच्चा कहता है ले फिर और डाल, ये तो एक की थी भैया, भैया लाल चटनी, ओ माय गॉड, अंदर सुनो चल रही है और वगैरह, चटनी तो खा के मानूंगा जी, ऐसा होता नहीं होता। अब एक बात बताओ, मोमोज प्लस मोमोज की चटनी, क्या ये भी एक कॉम्बिनेशन है या नहीं है? कॉम्बिनेशन है। अरे क्या वो चटनी तुम्हें अलग से दे सकता है? यस। तुम उसको बोलोगे 10 रुपए की चटनी ले, वो दे देगा? गोलगप्पे प्लस गोलगप्पे का पानी, क्या पानी अलग से दे देगा वो? आप लोग 50 रुपए का पानी क्यों नहीं देगा वो? समझ रहे हो आप? अब जैसे मान लो छोले भटूरे हैं, छोले का अलग है, भटूरे का अलग है ना, पाव भाजी है, पावे का अलग है, भाजी का अलग है, क्या वो अलग अलग नहीं मिलता मार्केट में? मिलता है भाई, भाजी लेके आ रहे हो मार्केट से। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जब ये तुम्हें कमाई मिल जाता है उसमें दोनों पे अलग अलग जीएसटी का रेट है, तो कौन सा रेट तुम लगाओगे? तो इसको हम बोलते हैं सप्लाई के अंदर अलग अलग तरह की सप्लाई होती है, कॉम्पोजिट सप्लाई होती है, मिक्स सप्लाई होती है, इंडिविजुअल सप्लाई होती है, उन सबका ट्रीटमेंट सप्लाई के अंदर है। आप समझ सकते हो कि आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, मतलब कितनी नॉलेज आपकी बढ़ेगी। आप आज के बाद कभी ये मतलब उदास नहीं होंगे यार मुझे पता नहीं कौन सा रेट लगेगा। आपको देख के पता लगेगा भाई ये वाली सप्लाई सर ने बताई थी इस पर ये रेट लगेगा, मैं गारंटी दे रही हूं। आप बिल चेक करोगे वही रेट लगाओ मिलेगा आपको, फिर आपको अच्छा लगेगा कि आपको नॉलेज भी है। सिंपल से बताया, आज तक तो आप मार्केट में गए लेकर आ गए, मम्मी ने टोकरा बनवा दिया टोकरा। अरे यार दीपावली पर देख लो ना कितने गिफ्ट हैंपर होते हैं आजकल, दुकानों बुकानों हल्दीराम के तो भाई साहब बहुत चल गए हैं। एक में चिप्स रखा हुआ है, कुकीज रखे हुए हैं, कुछ और घुसा दिया यार। आज को मिठाई की दुकान पे देख लो, मिक्स मिठाई का डब्बा मिलता है। हल्दीराम पे जाओ, चार लाइनें बनी होती है लड्डू की, जो अपना अलग अलग बनी होती है ना, अब चार लाइनें बनी है, अलग अलग मिठाई, अलग अलग जीएसटी का रेट है, कौन सा लगाओगे? तो ये सारी की सारी बातें सप्लाई के अंदर है, बस ये बात ध्यान दो। तो आपका दिमाग यहाँ पे खुलना चाहिए कि सप्लाई एक बहुत बड़ी टर्म है, क्योंकि जीएसटी सप्लाई पर लगता है और सप्लाई अलग अलग तरह की होती है, वो सारी बातें हमें जीएसटी में देखनी है, ठीक है जी। और सारे बच्चे दोबारा से बोल दो, जीएसटी क्या है? एक टैक्स है। अब जीएसटी एक टैक्स है, किस पर लेवी होगा? सप्लाई। अब आगे बोलना सप्लाई किसकी? गुड्स और सर्विसेज और बोथ, गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अब मुझे आंसर दे देना बस। जब स्टार्टिंग में जीएसटी आया ना, मेरे को याद है 2017, क्योंकि मैं 2013 से ही पढ़ा रहा हूँ जीएसटी आने के पहले से। मैंने सर्विस टैक्स भी पढ़ाया, वैट भी पढ़ाया, फिर जीएसटी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो 2017 में मेरे यूट्यूब में जब जीएसटी आया ही था, तब मैं कहीं और पढ़ाता था, एक इंस्टीट्यूट था आईजीपी आशीष कालरा सर का, जहां से मैंने कोचिंग ली, तो स्टार्टिंग मैंने वहां पढ़ाया था। मैंने 10 घंटे की जीएसटी की मैराथन ली थी, बहुत वायरल हुई थी वो, बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, क्योंकि जीएसटी उस टाइम नया नया था। और जब कोई चीज वायरल हो जाती है ना, तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि मैंने कहा यार पब्लिक है, लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, हमारे तो औकात ही क्या, हम तो कुछ भी नहीं है, लोग तो भगवान के अंदर बुरा निकाल देते हैं, भगवान के अंदर ये चीज अच्छी नहीं है। भाई तू तो देख ले पहले अंदर,
धीरेन्द्र क्या अच्छा है। प्रॉब्लम क्या ना, मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं, जब तुम उंगली ऐसे करते हो तीन उंगली तुम्हारी तरफ भी है, पहले खुद देख फिर अगले वाले को बोल। तो मेरा ऑलवेज कहने का मतलब है, कुछ अच्छी बातें ले लो, बुरी मत लो ना भाई। किसने कहा था बुरी लो, जो बुरा है वो छोड़ दो। तो अब क्या हुआ कि जीएसटी की मैराथन हुई, लोगों के अलग अलग ओपिनियन आए। उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इतना छोटा सा बच्चा, क्योंकि उस टाइम आज से 6 साल पहले मेरी एज आप मान लो 23-24 साल, और व्यूज आगे भाई साहब कई लाखों में। अब कई टीचरों को भी दिक्कत होती है, ऑब्वियस बात है, इतना छोटा सा बच्चा भाई साहब कल का आया हुआ, भाई साहब जीएसटी की मैराथन लेके भाग गया, और बहुत सारे बच्चे थे तो उन्होंने अपने इफेक्ट अपना डालना स्टार्ट कर दिया कमेंट कौन से। बट मेरा एक स्टार्टिंग से एम रहा है, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, अगर मैं शायद 10 साल से इन बातों पर ध्यान देता तो मैं आज यहां पहुंचता जहां आज मैं हूं। ये लाइफ का फंडा, आप भी फंडा जमा लो। आपको पता है, आपको मैं लाइफ का वो रूल दे रहा हूं, क्योंकि प्रॉब्लम पता है कि आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, साथ वाला क्या सोच रहा है, ये चीज खा जाती है इंसान को अंदर से। और अगर वो चीज तुम्हें खाना स्टार्ट कर गई, तुम्हारी लाइफ उस दिन खत्म हो गई। आपको पता है जब हाथी चलता है तो कुछ लोग भोगते हैं, बट हाथी अपनी मस्ती में चलता है, क्योंकि और हाथी अपनी मस्ती में चलता है, जो लोग भोगने वाले होते हैं वो एक लिमिट। आपको पता है, जैसे आपने कभी देखा होगा डोगी जो होते हैं गलियों में, देखिए हमने उनकी एक लिमिट होती है, अच्छा उनकी रेंज होती है, उस रेंज से बाहर नहीं गए। जैसे मान लो ये डोगी की रेंज है, अच्छा अगले वालों की ड्यूटी आ गई, अब अगले वालों की बोर्ड नहीं। मैं और हाथी अपना मस्ती में चलता रहता है, उसको लेने देना नहीं है कौन भोगे, उसको पता है कि भैया मेरा अपना काम है। तो ये आपकी लाइफ में होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको बहुत शर्म आती है डाउट पूछते हुए, डाउट आया पूछूं ना पूछ, नहीं पूछती, बेकार सा डाउट है, साथ वाला क्या सोचेगा, अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, साथ वाला है कौन तुम्हारा, पहले तुम्हें को ये बताओ, तुम्हें यहां मिला कल वो नहीं मिलेगा, आज तुम क्लास से बाहर रहोगे तुम्हें ये लोग कहां मिलेंगे तुम्हारा से, और अगर मिलेंगे भी तो क्या बड़ी बात होगी, पैसे दिए डाउट पूछ रहे हो, सिंपल सी बात है। तो लोगों का सोचना बंद कर दो, सिंपल सी बात है, अपनी मस्ती में मस्त रहोगे बहुत आगे निकल जाओगे, और अगर दूसरे का सोचोगे तो लाइफ में पीछे आ जाओगे, बात ध्यान देना। सिंपल सिंपल सा फंडा ही है, क्योंकि लोग तो सर हमेशा बोलते हैं, मैंने कल लक्ष्मी करके अंदर बोला, जैसे मैं यूट्यूब पर लाइव लेता हूं, 4-5 बच्चों का है आपस में लड़ने का उनका, अब जो ये लड़ रहे हैं आपस में, मेरे को समझ नहीं आ रहा वो पढ़ रहे हैं लड़ रहे हैं, तेरी ऐसी की तैसी, तूने इसको कैसे बोल दिया, तूने इसको वैसे बोल दिया, तूने वैसे बोल दिया, अरे मेरे बच्चे तूने सीएस बनना है, तू सीएस बनने के लिए आया है, किन चक्कर में पड़ गया तू, ये क्या ये करने के लिए पेरेंट्स से पैसे दिए थे तेरे को, ये पढ़ने के लिए थे, उनके ड्रीम है, उनके सपने हैं, वो एक एक दिन काउंट कर, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, वो तो बेचारे उनकी आधी लाइफ निकल चुकी है, वो कह रहे हैं कि हमारा बच्चा हमारे जीते जी कुछ बन जाए, हमें थोड़ी बहुत ऐश वैश करवा दे तो हमारी जिंदगी में सफल हो जाए, और तुम यार लाइयों में खत्म नहीं कर रहे, तुम अपनी तुम किसी और चक्कर में घुसे हो, तो जिस पर्पज के लिए आए हो उस पर्पज के लिए स्टिक रहो कि मुझे बनना है। सर 20 साल में सीए बन गया था, रीजन सिर्फ एक था, मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। सफलता त्याग मांगती है, ये बात ध्यान देना, जो त्याग कर सकता है वो सफल इंसान बन जाएगा, नहीं तो फिर जिंदगी भर, मैंने कहा ना हर बार बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्लियर होते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं होते, और जो नहीं होते फिर वो इन चक्रों में घुस जाते हैं, और आप इन चक्रों के अंदर फंस गए आपकी लाइफ, फिर आपका सेकंड प्रायोरिटी पर सीएस आ गया, क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ और है, और आप जब आए थे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सीएस थी, तो उस प्रायोरिटी पर टिके रहो कि तुम क्या करने के लिए आए थे। सिंपल सी बात है, इन चक्रों के अंदर घुस जाओगे तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है जी। अब तो मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं गुड्स और सर्विस और बोथ, जैसे एग्जांपल मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मैं आपको जब मैं आपको बात करता था, मैंने मेरी मैराथन ली, बहुत सारे टीचरों के आए, तो उसमें ना काफी ये पॉइंट उठा कि मैंने उस टाइम ना क्लास में एक्सप्लेन किया था कि गुड्स और सर्विस और बोथ इसके लिखने का ना रीजन है। अब काफी लोगों ने कहा गलत बता रहा है भाई, ये कह रहे लो बनने में गलती हुई है। अब वो लो बनने में गलती को कह रहे थे, कह रहे जब यहां पे बोथ वर्ड लिख दिया लो बनाने वाले ने, तो गुड्स और सर्विस अलग अलग लिखने का मतलब नहीं था, क्योंकि बोथ में दोनों आ गए। बट मेरा उस टाइम एक क्वेश्चन था कि बोथ का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस दोनों, अगर दोनों अलग अलग हुए तो क्या मार्केट में सिर्फ गुड्स नहीं होते, क्या मार्केट में सिर्फ सर्विस नहीं होती, या हमेशा कमाई होती है। और आपने पोहे वाले से पोहा खाया, पोहा क्या है, प्योरली गुड्स है। मैं आर एक बोतल लेकर आया, बोतल क्या है, प्योरली गुड्स है।
मैंने तुम्हें कंसल्टेंसी की सर्विस दी, ये क्या है? प्योरली सर्विस है तो भाई अलग अलग भी तो होती है, तो ये बात ध्यान देना। सिर्फ गुड्स पर भी जीएसटी है, सिर्फ सर्विस पर भी जीएसटी है, और जहां पे दोनों एक साथ होंगे वहां पर भी जीएसटी की बात होगी। बस ये बात ध्यान दो। आपको मैं एग्जांपल देता हूं एक, आप वैसे कौन, वैसे मेरे ख्याल से अभी आपने आपने प्रैक्टिकली देखा नहीं होगा, कभी फेशियल वेशियल कराया किसी ने? फेशियल क्लीनअप व्लीनअप मैनीक्योर पेडीक्योर जो लड़कों ने शेव शेव करवाई होगी, चलो पता तो वैसे होता है मार्केट में, कुछ ऐसा चलता है फेशियल वेशियल होता है ना, शादी वादी पे लोग करवाते हैं। पर फेशियल होता है तो उसमें जो फेशियल वाली कहती है, फेशियल वाला कहता है जो भी है, कि आपके 3000 रुपए फेशियल के लगेंगे। उसमें वो सिर्फ क्या, वो सिर्फ ऐसे करके फेशियल करता है, साथ में क्रीम व्रीम भी लगाता है, तो वो गुड्स एंड सर्विस दोनों है या नहीं है? यस या नो? तो वो कॉम्बिनेशन जो है ना उस पर भी जीएसटी है। कौन सा जीएसटी, बात एक अलग है, पर जीएसटी तो है। और मैं शेव करवाने के लिए जाता हूं, पहले बताओ क्या करता है शेव वाला, क्या करता है? कभी आपने शेव होते हुए देखी हो? आपके फादर घर में होंगे, खुद करते होंगे, या कभी आपने देखा हो शेव वाला क्या करता है? पहले वो पानी वाला स्प्रे लाएगा, ऐसे एकदम ठंडा ठंडा पानी लगता है, फिर वो क्या करता है, वो एक फेस वॉश ऐसे करता है, फेस वॉश से कर 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 करके फिर वो एक फोम से लगाता है, फोम से लगाता है, फिर वो क्या करता है, वो अपना ब्लेड डालता है उसके अंदर, फिर वैसे 2-3 बार पता नहीं नीचे मार के फिर वो ऐसे कर करके फेस क्लीन करता है, कहता सर 50 रुपए हो गए, 80 रुपए हो गए, उसने फोम लगाई, वो क्या था? गुड्स। और ये जो किया उसने वो क्या था? तो क्या कॉम्बिनेशन आया नहीं है? दैट इज बोथ। तो जहां दोनों होगा वहां पर भी जीएसटी होगा, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। फिर आगे एक लास्ट लाइन लिखी है उन्होंने, उन्होंने बोला कि एक्सेप्ट द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है उसकी सप्लाई पर जीएसटी पर नहीं, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब लीकर पर जीएसटी क्यों नहीं है, इसका रीजन आपको मैं बताऊंगा बहुत डेप्थ के अंदर, बट अभी थोड़ा हिंट दे रहा हूं, शराब पर जीएसटी नहीं है। रीजन, आप में से किस किसने कभी शराब की बोतल देखी है, एक बार हैंडस करो। अरे किस किसने कभी नहीं देखी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग महा जूठे मेरी क्लास में बैठे हैं, मूवीज में नहीं, जैसे कभी कभी शराब की बोतल आती है आप क्या मतलब क्या करते हो? राम 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 राम, क्या देख, अरे मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, शराब की बोतल, मैंने ये तो नहीं कहा था पी है, ये भी नहीं कहा पकड़ी है, ये भी नहीं कहा वो बोबी तोड़ के तट ने 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 वो किया आपने, वो गिलास रख के जो आजकल डांस चल रहा है, वो चल रहा है ना, वो बड़ी वायरल हो रही है, वो बोबी तोड़ के एंट्री, वो सिर पे गिलास रख के, एक बच्चा सीएस का सिर पे बुक रख के कर रहा है, ने ने। मैंने कहा यार आधा तेरी है वो ऐसे, मतलब आजकल अलग अलग तरह चल रहा है, और देखो मोए 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 भाई साहब ऐसा चल रहा है, मोए मोए 3-4 धुन तो दिमाग खराब कर रखी है। इंस्टाग्राम खोलो मोए मोए कोई हो रहा होता है तो ये बोबी दोल बन रहा होता है अपने आप को, वहां पे जाओ जी तो मोए मोए बच्चे बच्चों का पेपर मुश्किल आ गया, कह रहा है इंस्टीट्यूट ने मोए मोए कर दिया हमारा। मतलब कुछ चीजें ऐसी मार्केट में ना कोई ना कोई चीज चल रही होती है हर टाइम, 2-3 चीजें। तो पहले वो चल रहा था कच्चा बादाम, ले कच्चा बादाम, ने कहा कच्चा बादाम, पहले कच्चा बादाम चल रहा था, कच्चा बादाम खत्म होता है मोए मोए और ये बोतलें आ गई। तो आपने शराब की बोतल देखी होगी कहीं ना कहीं, अरे किस किस ने कभी शराब की बोतल पकड़ी है? ओके, पकड़ने में भी कोई बुराई नहीं है, पीने में बुराई है, किस किस ने पी है? मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कईयों ने पी हो, हाँ 1-2 मतलब ट्राई तो कई कर सकते हैं, 3-4-5। अच्छा अब जिन्होंने पकड़ी है या जिन्होंने देखी है, अगर देखी है पास से देखी है तो अच्छी बात है, कभी ध्यान से देखना उस पर लिखा होता है ओनली सेल इन यूपी, ओनली सेल इन हरियाणा, ओनली सेल इन राजस्थान, ऐसा लिखा होता है। उसका रीजन है कि शराब स्टेट का मैटर है। दिल्ली में शराब घोटाला चल रहा था अभी, केजरीवाल साहब को बार बार बुला रहे हैं, उसका रीजन क्या है भाई साहब? आज से एक साल पहले इन्होंने हर दूसरी दुकान शराब की खोल दी थी, ऑफर से शराब पे बाय वन गेट वन, लोगों ने नारियल पानी छोड़ के बाय वन गेट वन आन दे, क्या कुछ सुन। अरे कोविड के अंदर बहुत बुरा हाल हुआ था, कोविड में एक आंटी की वीडियो वायरल हो गई थी, 60 साल की आंटी दोनों हाथ में बोतल लेके घूम रही है, और न्यूज चैनल वाले आ गए, कह रहे बेटे कोरोना किस लिए नहीं हुआ, यही पी रही हूं, यही कोरोना खत्म करेगा मेरा। मैंने कहा आंटी 60 साल की हो गई, क्या हो गया आपको, यही कोरोना खत्म करेगा आपका, बताओ। इतनी लाइनें शराब की दुकान के बाहर लगी जितनी मंदिरों के बाहर नहीं लगती, लोग मुंह छुपा छुपा के, मास्क सिर्फ आंख पे काला चश्मा, यहां पटका यहां मास्क क्योंकि दिखे ना,
क्योंकि अगर कोई देख लेगा तो पता, अच्छा तू शराब पीता था, ऐसा सर ऐसे लोग घूमे थे। अब खुद बताओ शराब की कमाई कितनी है? बहुत जबरदस्त सर, चाहे गम हो चाहे खुशी हो शराब चलती है। अब गम है तो भी हम कहते हैं हाँ यार बड़ा दिल उदास है। एक अगर फिर सावन में जब दिल पे कुछ निकलता है, छोड़ गई यार जिंदगी ने मन ही नहीं कर रहा जीने का, ऐसे चल रहा था उनका। कभी देखना बड़ा मजा आता है इनसे, जब कोई अगर अगर कोई पीने वाला है उनके पास बैठने का अलग ही मजा है। तुम बस एक अगर तुम नहीं पीते तो अच्छी बात है, पीते हो तो अगर बस धीरे धीरे पियो और सामने वाले को देखो तुम, बड़ा मजा आता है। मेरे दोस्त पीते हैं ना, मैं तो खड़ा हो जाता हूँ, मैं यार बोल अब तू कुछ तो बोल, इसे तुम आया हूं कि तू कुछ बोलेगा मैं सुनूंगा आज। और फिर खुशी हो तो आप शादियों में बताइए खुशी में तो डबल पीते हैं, आज तेरा भाई डांस करेगा 12 बजे के बाद डीजे वाले को गाना लगा, फूफा नीचे भाई साहब उधर वो नागिन रुमाल लेके नागिन बन रहा होता है, 50-50 साल के लोग नागिन बने हुए भाई साहब ऐसे कर करके, क्योंकि 3-3, 4-4 बैग अंदर आ चुके। फिर सुबह पापा को बोलते पापा क्या नागिन है, पापा कहते बेटे छोड़ अब तो उस बात को। तो सुनो ध्यान से, तो शराब की कमाई बहुत है, शराब स्टेट का मैटर है। तो जब जीएसटी आना था ना तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हुई, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि शराब का बहुत बड़ा रिवेन्यू था स्टेट के पास और स्टेट उसको लूज नहीं करना चाहती थी। तो इसलिए सबसे पहली कंडीशन उनकी यही थी कि अगर जीएसटी लेकर आना है तो अल्कोहलिक लीकर को बाहर निकालो, क्योंकि अगर वो जीएसटी में अल्कोहलिक लीकर आ जाती तो रिवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाता, सीजीएसटी लग जाता ना, तो सीजीएसटी सेंट्रल का है। अब सेंट्रल तो चाहती थी लीकर आए क्योंकि लीकर बहुत मोटा रिवेन्यू है, बट फाइनली यही डिसाइड हुआ कि लीकर को हम लेकर नहीं आएंगे, इसीलिए शराब को जीएसटी की डेफिनेशन से ही बाहर निकाला गया कि शराब पर जीएसटी नहीं है। अब आप में से कई बच्चे पूछेंगे सर पेट्रोल पर भी तो नहीं है? पेट्रोल पर नहीं है, बिल्कुल सही बात है नहीं है, बट पेट्रोल पर परमानेंटली बाहर नहीं है, शराब परमानेंटली बाहर है। यह संविधान से ही बाहर की हुई है, अगर शराब पर जीएसटी लगाना है संविधान चेंज करना पड़ेगा। बट कल तो मैं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि पेट्रोल पर जीएसटी लग सकता है, एक बॉडी बनी है जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल अगर रिकमेंड कर देती है तो पेट्रोल पर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है जी, अब मेरे को सारे बच्चे एक बार जीएसटी की डेफिनेशन दोबारा से बोल दो जी, सारे बच्चे एक बार डेफिनेशन दोबारा से बोल दो। पहले तो जीएसटी क्या है, जीएसटी इज ए लेविड ऑन ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एक लाइन दिमाग में लेके चलना, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मतलब इसमें लीकर कंटेंट होता है उस पर जीएसटी है। चॉकलेट में लीकर कंटेंट होता है पता आपको, आपका जो सैनिटाइजर है उसके अंदर भी लीकर होता है, आपकी मेडिसिन में लीकर है, उन सब पे जीएसटी है। प्योर लीकर जो होती है शराब बियर वाइन इन पे जीएसटी नहीं है, इसमें लीकर कंटेंट मिक्स हो रहा है गवर्नमेंट ने कहा वो तो अलग गुड्स हो गए उन पे जीएसटी लगेगा, जो प्योर लीकर उसको हम यहां से बाहर निकाल रहे हैं उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये बात ध्यान दो जी, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का जी। तो ये आज हमारे एक बार हमने बेस क्लियर कर दिया, ठीक है जी। जीएसटी की वैल्यू तो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को मिलती है ना, तो लीकर स्टेट में क्यों रखे है? राहुल एक बात मेरे को बताओ, लीकर आज से नहीं स्टेट में है, लीकर स्टार्टिंग से स्टेट में, जब जीएसटी नहीं था तो भी जो उस पर टैक्स लगते थे वो स्टेट लेवल के थे। खुद बताओ, आप मान लो स्टेट गवर्नमेंट हो, मैं कह रहा हूं लीकर को जीएसटी में लेकर आओ, उससे नुकसान क्या होगा? जो आपका रिवेन्यू है क्या वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, तो आप उसको कम क्यों करोगे? तो आप ये बोलोगे ना कि भाई साहब अगर जीएसटी लेकर आना है मेरी कंडीशन मानो, क्या मानो? कि लीकर पर जीएसटी नहीं लगाओगे, क्योंकि लीकर का तो बहुत मोटा रिवेन्यू है स्टेट जानती है, इसलिए उन्होंने कंडीशन लगा दी कि अगर जीएसटी लेकर आना है तो लीकर हमारी होगी। और फाइनली वो गवर्नमेंट को माननी पड़ी, क्योंकि वो नहीं मानती जीएसटीआर इंडिया में आता ही नहीं, तो इसके काफी सारे रीजन है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जी। ठीक है जी, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो तो आज हम इसको यहीं तक पैक करते हैं, फिर हमारी आज क्या है जी, मंडे। अच्छा मैं थोड़ा सा क्लास के बारे में आपको बता दूं, इधर सुनो ध्यान से। तो हमारी क्लास जो होगी वो पटेल नगर में होती है, मंडे वेनेसडे फ्राइडे और संडे भी आपकी होगी। बट सुनो ध्यान से, संडे कैसे होगी, मतलब जिस दिन लक्ष्मी नगर होगी उस दिन पटेल नगर नहीं होगी, जिस दिन पटेल नगर होगी उस दिन लक्ष्मी नगर नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूंगा जिस दिन, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और हमें कंप्लीट करना है टाइमली, और वो तभी हो पाएगा अगर आप डेली क्लास, अगर जून में एग्जाम है आपको देने हैं तो,
अगर आप ट्राई करने के लिए देना चाह रहे हो वो एक बात अलग है, तो फिर आपके दिमाग में है कि मैं कोई, क्योंकि आप, मैं दोबारा बोलूंगा, मॉड्यूल एक बार खोल के देख लो, ठीक है। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा उसमें कंटेंट कितना है, बाकी सिलेक्टिव कंटेंट करना है तो वो आपकी मर्जी है, वो तो फिर आपको फिर दिसंबर में दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि सिलेक्टिव कंटेंट इंस्टीट्यूट तो आजकल दे नहीं रहा, वो तो वहीं दे रहे जो आप पढ़ के नहीं जाते, उसको सारा पता बच्चे क्या करके जा रहे हैं, ठीक है ना, वो इंस्टीट्यूट पागल नहीं है, कई साल से बना हुआ है वो, उसको पता हर बार बच्चे क्या करके जा रहे हैं, ठीक है जी। तो MWFS और लक्ष्मीनगर होती है TTSS, जो बच्चे जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, मैंने वो वहां पर भी कहा था कि MWF वो यहाँ पे अटेंड करें, वहां मेरा इनकम टैक्स चल रहा है, TTS में वो वहां अटेंड कर सकते हैं, सिलेबस उनका जल्दी मार्च एंड तक खत्म, आप आराम से एक डेढ़ महीना आराम से तैयारी करें, जून में बढ़िया से एग्जाम दें। बाकी बच्चे कहते हैं नहीं हमें तो पटेल नगर ही आना है, हमारा तो पटेल नगर खत्म हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, खत्म होगा बट ऑब्वियसली मतलब थोड़ा सा लेट खत्म होगा फिर, ठीक है, वो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो आपके पास ऑप्शन है कि दोनों ऑप्शन मैंने खोल रखे हैं, आप बस अब आप जो भी चूज करोगे वो आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। थोड़ा सा भी शरीर को एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, बट आपको जो लास्ट के डेढ़ महीने होंगे आराम से कंफर्ट फील करोगे कि मेरा सिलेबस अच्छे से और टाइमली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, यहां पर भी करोगे तो यहां पर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जी, तो बाकी फिर मुलाकात करते हैं हम परसों वाली क्लास में, और बाकी कल लक्ष्मीनगर में मिलेंगे, परसों में यहां मिलेंगे जी। हाँ, नोटबुक अलग चलेगी जी, यहाँ की नोटबुक अलग होगी, GST की इनकम टैक्स वाली नोटबुक अलग होगी, ऑब्वियसली बात है मर्ज कर दोगे समझ में कुछ भी नहीं आएगा, तो दो नोटबुक लेके चलनी है, इनकम टैक्स की अलग लेके चलनी है और GST की अलग लेके चलनी है, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। एक बार सारे बच्चे फटाफट से खड़े हो जाओ, हम जय हिंद बोलेंगे और जय हिंद बोलने के बाद हम विदाई करेंगे, ठीक है जी। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। लाइव वाले बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और लाइक कर लेना, और अगर अच्छी लगे तो आप लोग भी और ये लोग भी कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच, जय हिंद वंस अगेन। ऑनलाइन वालों की बुक्स बहुत